So it is your state specific current affairs. Whatever topics we are going to discuss today, they will be relevant from both the perspectives, Williams as well as me. So another few hours, please keep your perspective open. Okay? So that means abhi aapke convenience ke liye what I have done is, and all these content will be shared in your respective groups, will be shared during the class itself. It is there in the website also now. All these articles and the content has been shared in the SNM IS Academy website, HS Current Affairs. They're already there. But we will share in the groups also so that aapke paas jo hai wo reference rahe. Theek hai? हमने इसको पढ़ना कैसे है, हमने इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लिया है. ठीक है, सो फर्स्ट सेक्शन आई विल टेक अप विद यू इज इकोनॉमी. सो विद इन दैट इज हिमाचल स्टेट इकोनॉमी. ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अपकमिंग बजट सेशन है ना, अपकमिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट है ना. सो न्यू इनिशिएटिव्स विल बी रेलेवेंट हियर, राइट. सो इकोनॉमी में बहुत सारे सब सेक्शंस हो सकते हैं. इकोनॉमी कहीं भी जा सकती है ना, एग्रीकल्चर हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है ना, टूरिज्म हो सकता है, राइट. टूरिज्म के भी अंदर वेरियस डायमेंशंस हो सकते हैं, राइट. तो जो जो अभी रिसेंटली, बिल्कुल अभी रिसेंटली जितनी भी आर्टिकल्स, न्यूज, इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाए, बस उसको कंसोलिडेट किया है, राइट. इट मे बी अ रिविजन फॉर फ्यू ऑफ ऑल्सो, क्योंकि आप ऑलरेडी हिमाचल स्टेट के स्टेट स्पेसिफिक न्यूज पेपर एडिशन को रिवाइज कर रहे हैं या आर्टिकल्स उससे रिलेटेड शेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज इकोनॉमी. सेकेंड पार्ट वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इकोलॉजी है ना. तो इकोलॉजी विल टेक केयर ऑफ मे बी वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरह से, राइट. फिर हमारे पास यहाँ पर इवन गवर्नेंस का सेक्शन भी आएगा. स्टेट सब इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, राइट. ठीक है, एंड देन देयर कैन बी वेलफेयर ऑल्सो, वेलफेयर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, राइट. ठीक है, मे बी फॉर द सोशल सिक्योरिटी, फॉर वुमेन, right, self help groups is point of view say, even certain initiatives related to security, that can be law and order, it can be cyber security, border security, is perspective se, theek hai. And one dimension, it can be art and culture itself, maybe anything done by the Himachal state to preserve the cultural heritage, theek hai, right, theek hai. But please see to it before we start, aaj hi ek hi day mein सेशन में आप सारा इकोनॉमी तो नहीं कवर कर पाएंगे ना, और सारा इकोलॉजी भी नहीं होगा. सो इट इज अ सीरीज, राइट. सो दिस इज अ सेशन वन, दिस इज अ पार्ट वन. ठीक है, सो लेट्स सी जितना भी इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, विल स्टार्ट, राइट, एंड विल सी टू इट कि प्रिलिम्स से क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है और मेंस में हम इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. देर आर स्टूडेंट्स हु आर बिगनर्स, लाइक आपके लिए अक्षता, आपके लिए स्मिता, तो we'll have to see to it कि स्टेट स्पेसिफिक ही है, नथिंग न्यू, आप ही की स्टेट की इंफॉर्मेशन है और आपको वो ऑलरेडी पता ही है. ठीक है, ऑनलाइन सबको, शशांक, सुधांशु, संतोषी, शर्पिया, डिंपल, शेल वी स्टार्ट, दीपक, प्रिया, यस मैम, डन, यस मैम, यस मैम, ओके. सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू सी द स्क्रीन? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डोंट गेट एजिटेटेड अबाउट कि ये लिखना है, आप सिर्फ इस चीज को, पर्सपेक्टिव को समझ लें. So that you develop that, the content is not a problem. Content will be there with you only. ठीक है? Online students, ठीक है? Screen visible है? Yes ma'am. Yes ma'am. Now see, अब objective type questions देखते हैं news articles से. मेरे से पहले news का gist जो है theme समझ लो, ठीक है? Now this news is from econ. As we know, हमारा first section कौन सा है? Economy. ठीक है? अब economy में आप जैसे you can see that there are series of articles related to economy. ठीक है? तो ये जो आजकल हमारा थीम रिलेटेड टू द हॉर्टिकल्चर का, ठीक है. सो व्हेन वी से प्रमोशन ऑफ सिनामिन कल्टीवेशन, सिनामिन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, दालचीनी की बात हो रही है. तो जरा किचन में चले जाओ, मसाले वाली चाय और स्पाइसेस, और आजकल वायरल कफ, खांसी है ना, तो वी टॉकिंग अबाउट हम क्या कहते हैं, शायद पे दालचीनी डालकर, काली मिर्च डालकर, यू हैव इट, इट विल रिलीव यू. दैट मीन्स अब इसका कंटेक्स्ट यहाँ पर हम क्यों पढ़ रहे हैं इस बार से, ये प्रीलिम्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा है ना. तो ये जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन है, ये आप अपनी नोटबुक्स में साथ साथ लिख सकते हैं, है ना. तो आप ऐसे लिख सकते हैं अपने पार्ट में कि इट इज लाइक यू स्टार्ट योर पार्ट, कि आपने स्टार्ट किया, अपने नोटबुक में हेडिंग डालो इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी का ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, फिर हेडिंग यहाँ डालो हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर हो गया, फिर उसमें एक पार्ट डालो है ना, लिखने के लिए, अपने अपने छोटे छोटे नोट्स बनाने के लिए,
एक पार्ट डालो यहाँ पर, उसका कोई भी कोड वर्ड इस तरह से लिख लो, सिनामिन कल्टिवेशन, जैसी टॉपिक आ रहा है अब ये लिख लिया। अब इसके आगे जो जो पॉइंट्स हमें लग रहा है आर्टिकल में नहीं है या जो क्लास में आप समझ रहे हो, वो छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ लिख सकते हो। अब वो पॉइंट क्या है इस पार्ट से, दैट हिमाचल स्टेट विल बिकम द हेयर वेरी सून हिल से, इसमें फर्स्ट स्टेट जहां पर क्या होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम सिनामिन विल बी कल्टिवेटेड। ठीक है, सो अब इस आर्टिकल को उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो एंड आई रीड आउट फॉर यू सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। Now what they are saying is that it will be for the first time by 2025, right? Cinnamon crop will be ready, right? Right? ठीक है, अब आपके prelims के questions देखो। First time Himachal state में cinnamon के जो saplings थे, मतलब cinnamon का जो plant था, वो कब लगाया गया था? ये year wise important information है, prelims का question आएगा। तो यार mark करो इस बार से, this was in the year 2021. You know, scientists, they say it takes about good 4 to 5 years for that crop to be mature. Okay? So this proves that all people are very happy. Hai na, Aditya? You are so happy studying Himachal state. So achha hai, koi ek Saturday aisa bhi hai. So this is a cosmos signal that you are dancing and very happy about it. Right? So 2021 mein first time jo hai, saplings plant kiye gaye the. ये पहला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, मेकिंग सम सेंस? T2020 हमारे पास फाइनल कल्टीवेशन होगी, अभी हम देखते हैं इसका हमें बेनिफिट्स क्या होगा। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया कि इसका जो ट्रायल है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा। ये डिस्ट्रिक्ट आगे घूमते ही रहेंगे पूरे हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाएंगे ये डिस्ट्रिक्ट्स, राइट? जब अभी आप आगे हॉर्टिकल्चर में शिवा प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी ट्रायल क्या है, इसमें अभी जैसे आप इसको जो है ज्योग्राफिकल वाइज भी लर्न कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल वाइज भी लर्न कर सकते हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिव से रिलेट करके भी लर्न कर सकते हैं, है ना। तो यदि अल्फाबेटिकली स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पर बी की बात करेंगे, सो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, यदि आप ऐसे देखें इस बार से, है ना, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, राइट? फिर आपके पास सिरमौर अपने होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेट कर लें और लास्ट में आपके पास ऊना। ठीक है, बट ये एक्सपेंशन हो जाएगा हॉर्टिकल्चर में, जब एक्सपेंशन होगा तो इसमें सोलन डिस्ट्रिक्ट ऐड हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा सिरमौर एंड सोलन, जब एक्सपेंशन होगा तो इसमें मंडी डिस्ट्रिक्ट ऐड हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट, है ना। Have optional also. So, जिनका optional horticulture है, so all the more important and rather you will be more aware of it, right? ठीक, अच्छा। अब farmers की demand पर हमने initially 50 saplings लगाए थे, अब हमने जो है 1000 और जो है saplings जो है stall किए हैं, ये part होंगे। अब इसमें fourth question क्या आएगा, कौन सा institution involved है, right? ठीक है, so institution is you talking about, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी सो पालमपुर। तो ये आप वैसे भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस करते हैं, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पालमपुर ये पार्ट हो गया, राइट? ठीक है, अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहाँ यूज करेंगे। अब आपके GS पेपर 3 में इकोनॉमी में आपको ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर के सेक्शन है, राइट? अब अपना खुद सोचो, यदि हिमाचल स्टेट इंडिपेंडेंस होगी और सिनामिन की कल्टीवेशन होगी, है ना, तो क्या होगा, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक बेनिफिट्स? आप अपनी इस पार्ट से अब थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो, यस ऑल इट। सबसे इमीडिएट डायरेक्ट बेनिफिट किनको होगा, फार्मर्स को होगा, राइट? ठीक है, दैट मींस इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बढ़ेगा, है ना, और एग्रीकल्चर से भी आप क्या बात कर रहे हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, है ना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सो ये इकोनॉमिक डायरेक्ट बेनिफिट होगा। फिर आपका पार्ट क्या होगा इस पार्ट से, यदि हम इस पर किसी और स्टेट पर डिपेंडेंट है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू पर पढ़ते होंगे, सबसे ज्यादा सिनामिन कल्टिवेशन किस स्टेट में होती है, पढ़ते हैं ऐसा कुछ ज्योग्राफी रेफरेंस में, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन यू हेल्प? इंडिया में यदि रिलेटिवली कंपेयर किया जाए तो दालचीनी कहाँ होती है? केरला, केरला है ना, आपकी जो मसालों का जो हब है, जो स्पाइसेस का हब है, वो केरला स्टेट है। अदरवाइज हम इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, है ना। इंडिया मैक्सिमम सिनामिन कौन से कंट्री से इंपोर्ट करता है? श्रीलंका से। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हम कैन बी यूज द टर्म कि इससे क्या होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा,
aspirants who have just joined us, हम first topic discuss कर रहे हैं. It is under economy section of Himachal State और हम horticulture के sub section में ये topic discuss कर रहे हैं कि Himachal State में जल्दी ही cinnamon की cultivation की जाएगी. 2025 तक plants will be ready. ये किया है हमने discuss, right? तो import substitution होगा ये वैकनी. मतलब या आप इस term को क्या लिख सकते हैं? Import dependence कम हो जाएगी, right? फिर इकोनॉमी में रिलेट करके देखो, आप उसे मेजर कौन सी नेशनल पार्क से रिलेट करेंगे? आत्मनिर्भर भारत, है ना? जब आप कह रहे सेल्फ डिपेंडेंस, तो कोशिश करना है स्टेट के रेफरेंस में नेशनल प्रोग्राम्स को साथ लेके चलना है, है ना? तो सेल्फ इंडिपेंडेंस मतलब आत्मनिर्भर भारत में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, है ना? लोकल इंडिजीनियस प्रोडक्शन होगी. इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगी. आप उस शब्द को लिखे कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और ओवरऑल इकोनॉमी को जो है वो बेनिफिट मिलेगा. वैसे भी हिमाचल स्टेट में हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट्स में एक्सटर्नल फंडिंग की सपोर्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है? सो दैट शुड बी योर कंक्लूजन, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? अब प्रीलिम्स के कंक्लूजन पार्ट देखो. अब वो कहेंगे कि सिनामिन, यदि सपोज करो शॉर्ट में नोट आ जाए, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, है ना, कि वॉट इज द रीजन हम सिनामिन कल्टिवेशन क्यों कर रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो अब आप क्या कहोगे इस पार्ट से, दालचीनी के क्या बेनिफिट्स है? तो एक तो ये स्पाइस यूज होता है, मतलब मसाले की तरह यूज होता है. इसके अंदर क्या है? मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं. सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट फ्रॉम इनडाइजेशन टू ओबेसिटी टू शुगर लेवल को, डायबिटीज और शुगर लेवल को कंट्रोल और मेंटेन करने के लिए, अस्थमैटिक इश्यूज एंड लॉट मेनी इश्यूज. तो विंटर और जब हिमाचल स्टेट के एक्सट्रीम वेदर स्टेट्स में, सो इट इज हाईली हाईली बेनिफिशियल. हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है यहाँ तक? अखिलेश, अंजलि, अंकित, आदित्य, अभिषेक, रितिका, रितिक, शशांक, शिल्पा, सबको क्लियर है? यशपाल, क्लियर मैम, क्लियर क्लियर. चलो आगे, नेक्स्ट टॉपिक देखो. अभी हमने दालचीनी देखी थी, है ना? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम मुलट्ठी की बात करेंगे इस बार से, राइट? अभी भी इसका मतलब आप कहाँ पर हो? अब सेकेंड अपना टॉपिक क्या है? आपका प्लेटफॉर्म क्या है? इकोनॉमी वहां से हिलोगे नहीं. और फिर सेकंड क्या है आपका? हॉर्टिकल्चर, वो भी वहीं रहोगे, राइट? अब ये क्या है? कमर्शियल कल्टीवेशन. और यहाँ पर लिखा होगा इसमें पार्ट्स में लिकोराइज. इसको कहीं जगह आप ऐसे भी लिखा पाएंगे एग्जाम में, ऐसे भी लिखा जाता है लिकोराइज, ऐसे भी लिखा जाएगा, ऐसे भी लिखा जाएगा, तो एक ही बात है. और यदि हिंदी में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? मुलट्ठी. अब प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन क्या होगा? ये देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, हिमाचल स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया. तो ये हिमाचल की अचीवमेंट होगी. जिनका ऑप्शनल है वो इस चीज को, इंटरव्यू तक जाएगी ये सब चीजें आपकी, है ना, हिमाचल की इस फील्ड में जाइए. और यदि आपका आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉन यूनिवर्सिटी है ना, तो ऑल द मोर रीजन वो पूछेंगे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या लेटेस्ट चल रहा है, क्या अचीवमेंट्स हैं, राइट? तो वो स्कॉलर्स भी इस बात को ध्यान रखें. सो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ मुलट्ठी. तो इसका मतलब इन्होंने कहा, अगेन इंस्टीट्यूशन हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूशन, वो रिपीटिशन होगी बेटा, है ना? तो इंस्टीट्यूट ऑफ आपका हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, पालमपुर. लोकेशन याद रखनी है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात होगी. अब देखो, अब आपके मेंस के सारे पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली, है ना? अब हम मुलट्ठी कहाँ से ले रहे थे ज्यादातर? हम ज्यादातर मुलट्ठी अफगानिस्तान, ईरान से ले रहे थे. कुछ पार्ट्स हम इसका चाइना, पाकिस्तान से ले रहे थे. यदि हम ही इंडिपेंडेंट इसमें हो जाएंगे तो अगेन सेम टर्मिनोलॉजी. ऑनलाइन स्टूडेंट रिवाइज करो, सेम टर्मिनोलॉजी ऑफलाइन रिवाइज करो. वही आत्मनिर्भर भारत, वही इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगी, है ना? सो एज अ रिजल्ट नाउ सी, दे हैव हियर टोल्ड यू कि हम ऑलरेडी इंडिया जो है एनुअली, हम जो है, यदि आपको एग्जैक्ट यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स ना याद रहे तो एटलीस्ट मेंस में आप इतना लिख सकते हैं कि मोर देन 8,000 टन्स ऑफ मुलट्ठी एनुअली हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं. तो इससे ऑल द मोर इसकी इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन है, है ना? तो इस इम्पोर्ट की वजह से हम जो है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द प्लेसेस. अब डिस्ट्रिक्ट रिवाइज करो, वही सेम रिपीटिशन. अब आपका कुछ टाइम सेम हुआ, स्टूडेंट्स रिवाइज करो. लेकिन यहाँ देखो डिस्ट्रिक्ट थोड़े से चेंज हो रहे हैं, यहाँ कोई ऐड हुआ है डिस्ट्रिक्ट. अब धीरे धीरे आप शिवा प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, जो हॉर्टिकल्चर का मेन प्रोजेक्ट है. अब उसकी पहले आपके पास कितने डिस्ट्रिक्ट थे? सिनामिन में कितने डिस्ट्रिक्ट थे ऑनलाइन स्टूडेंट? 5, है ना? अब देखो वही अल्फाबेटिकली देख लो, ज्योग्राफिकल देख लो, मैप से रिलेट करके देख लो. बिलासपुर, हमीरपुर, है ना, आपके पास सिरमौर, राइट, कांगड़ा. सो अब एस स्क्वायर आ गया, इसमें ऐड हो गया, है ना? This is S square.
तो सोलन एज वेल एज सिरमौर, राइट, ठीक है, उसमें पहले सोलन नहीं था, राइट, और लास्ट में ऊना. अब जब आप शिवा में जाएंगे, ये कितने हो गए डिस्ट्रिक्ट्स, पांच से शुरू किया छह तक पहुंचे. शिवा प्रोजेक्ट में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, सेवन डिस्ट्रिक्ट्स. उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट एक और ऐड हो जाएगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट, व्हिच वी विल स्टडी लेटर, ठीक है. अच्छा, फिर आपको ये बेसिक साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से नाम जो है आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे. ये आपको जनरल साइंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से, है ना. सो साइंटिफिक नेम ऑफ मुलट्ठी है ना, ग्लाइसीराइज़ा, ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं इसको. सो इट इज, मेरे को तो मुश्किल हो रही थी प्रोनाउंस करने में, है ना, ग्लाइसीराइज़ा, है ना. और ये दिस इज लाइक वन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ, जिसकी वजह से दे से कि ग्लूकोज से भी 50 टाइम्स ज्यादा क्या होती है, मीठी होती है. होता है ना इस पार्ट से, वी हैव सोर थ्रोट, गला खराब हो और ड्राई हो, गले में बार बार खराश हो, तो हम क्या करते हैं, मुलट्ठी रख लो मुंह में, है ना. तो इसका मतलब सोचो, जितने हमारा बद्दी की फार्मा इंडस्ट्री से सोचो, जो कप सिरप्स हैं, है ना, जिस तरह के एंटीबायोटिक्स हैं, उसमें मुलट्ठी आयुर्वेदिक मेडिसिन में कितनी ज्यादा यूज होती होगी. तो जैसे आप फार्मा में चले गए, आयुर्वेदिक में चले गए, तो आयुष के पास चले गए, नेचुरल वेलनेस के पास चले गए, तो उसमें भी जो है इसका इम्पोर्टेंट यूज होगा, राइट. साइंटिफिक नेम, फिर इसकी ग्लाइसिराइज़ा की वजह से जो है ये जो है सुक्रोज से भी, जैसे मैंने आपको कहा ग्लूकोज का जो एलिमेंट है, तो 50 टाइम्स ज्यादा जो है वो स्वीट्स है, ठीक है. फिर आयुर्वेदा में वी कॉल इट अष्टी मधु, मधु इज मीठा, स्वीट, है ना, जैसे शहद की हम बात करते हैं, राइट, ठीक है. तो दिस पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट. चलो आगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्टेबल, डिंपल संतोषी, मनीता, प्रियंका, श्रिया, सुधांशु, शिवानी, सोनम, ओके. अब आपने फिर इसको, ये सर आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए है, है ना, कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में जितने भी हमारे, इवन जो जितनी भी हमारी टॉफीज हैं, राइट, ठीक है, सो वी यूज दिस एलिमेंट, राइट. हेल्थ बेनिफिट्स क्या होंगे ये आप बताओ इस पार्ट से. एंटीबायोटिक्स की तरह काम करेगा, वही सेम अस्थमा, है ना, थ्रोट रिलेटेड इन्फेक्शन, अदरवाइज बॉडीली इन्फेक्शन, राइट, ठीक है. सो इट विल बी हेल्पफुल इन दैट पार्ट. सो इट इम्प्रूव्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो, इट इम्प्रूव्स टू डिटॉक्स द बॉडी ऑल्सो, राइट. फिर कंक्लूजन क्या हुआ, क्योंकि हम ये जो है ज्यादातर ईरान, अफगानिस्तान, सिनेमन में कौन सा कंट्री आया था, दालचीनी में कौन सा आया था, श्रीलंका, हर जगह अफगानिस्तान नहीं आएगा, है ना. सो वहां से इम्पोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पार्ट से इफ दिस इज थ्राइविंग हेयर इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन एंड बिकॉज ऑफ द मोस्ट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो जाएगा. सो अब आपका क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाएंगी कि हिमाचल विल बिकम द फर्स्ट स्टेट, तो ऑप्शन आ जाएगी सिनेमन में, लेट सपोज ऑप्शन आ जाएगी मे बी, और क्या हो सकता है, जैसे दिस पार्ट, है ना, लिकोरोस, राइट, ठीक है. सो हिमाचल विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ वेरी ऑर्गेनाइज कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ लिकोरोस. हो गया प्रिपेयर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है. यस मैम. कोई डाउट? यस मैम. नो मैम. चलो आगे ऑफलाइन. एवरीबॉडी कंफर्टेबल, ठीक है, आपको सक्षम, ठीक है. लेट मी नो जहां पे प्रॉब्लम लगे, राइट, ठीक है. नाउ दिस इज एक मिनट, इस पर वापस फिर से आते हैं क्योंकि आप हॉर्टिकल्चर भी पढ़ रहे हो. एक सेकेंड, लेट मी गिव मी वन मिनट, इस पर आते हैं पहले, इस पर आते हैं क्योंकि हॉर्टिकल्चर के आपके नोट्स हैं ना, तो यही रहो आप इसमें. नसी, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम एंड अगेन आपके क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी. इस टॉपिक के थ्रू नाउ यू विल बी फॉर्मली इंट्रोड्यूस टू दैट, यू नो, एक हमारे पास प्रोजेक्ट है शिव धाम प्रोजेक्ट, है ना. सो दैट इज रिलेटेड टू टूरिज्म, ठीक है, एंड दैट इज कन्फाइंड टू मंडी डिस्ट्रिक्ट, राइट. एक हमारे पास प्रोजेक्ट है शिवा प्रोजेक्ट, दिस शिवा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, राइट, ठीक है. फर्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आएगा फुल फॉर्म ऑफ शिवा प्रोजेक्ट, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा इस पॉइंट से, राइट, ठीक है. This we have to understand. Second question आएगा external funding for this project. So option आएंगी कि World Bank funding दे रहा है, Japan International Cooperation Agency Zika funding दे रहा है, Asian Development Bank funding दे रहा है, IMF funding दे रहा है, that way, right? ठीक है. So it is Asian Development Bank. ये जो title है ये क्या कह रहा है? External funding that we are promoting this project. But ये latest news है कि अभी ये क्या हो रहा है. But I would like पहले let me take you to the प्रोजेक्ट इटसेल्फ. एक मिनट, विल कम बैक टू द न्यूज. यहां से स्टार्ट करो इस आर्टिकल को सबसे पहले, ठीक है.
let's understand first of all, what is the, write down the full form of Shiva project. It is subtropical. यहाँ लिखा भी होगा आपके इसमें. आप यहाँ से लिख सकते हैं इसे, है ना. It is subtropical horticulture, है ना शिवा. Subtropical S, H horticulture, I irrigation and value addition, VA value addition project. ठीक है. हिमाचल स्टेट का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर फील्ड का मिशन मोड का प्रोजेक्ट है शिवा प्रोजेक्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज शिवा प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म. समीर लिख लिया, प्लीज उसको लिख लो. लिखने से थोड़ा थोड़ा क्लास में याद रहेगा. सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट, नंबर वन. नंबर टू, इस प्रोजेक्ट को कौन सा बैंक फंड कर रहा है बताओ. एक्सटर्नल फंडिंग क्या है ना, एडीबी. सो एशियन डेवलपमेंट एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट. ठीक है. सेकंड अनदर क्वेश्चन. नाउ मेंस में ही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, आपको आ रहे हैं आजकल क्वेश्चन की ऑर्गेनिक फार्मिंग की सक्सेसफुल कोई केस स्टडी, कोई सक्सेस स्टोरीज, राइट. इस पार्ट से सो अब ये प्रोजेक्ट जो है, हमने पायलट प्रोजेक्ट जो है कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया. तो अब तक आपको डिस्ट्रिक्ट याद हो गए, अब रिवाइज करो मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट. आप बताओ, विल नॉट सी है, आप बताओ शुरू कहाँ से करोगे. अच्छा, कांगड़ा उना से शुरू किया. बिलासपुर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट. और हमीरपुर. हमीरपुर, सोलन, सोलन, सिरमौर, सिरमौर, सोलन, सिरमौर, सोलन, उना, मंडी, उना, उना हेयर, कांगड़ा, है ना. या आपने इस पे से शुरू किया इस पार्ट से बीएच इनके, है ना, एस स्क्वायर यू कैसे भी बना सकते हो, है ना. बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, ऑफलाइन सबको शिवान ठीक है. यहाँ से कांगड़ा, सोलन, सिरमौर एंड आपके पास उना. अब फिर से रिवाइज करो. दालचीनी, सिनेमन कल्टीवेशन में कौन कौन नहीं था, इससे माइनस करो. क्या क्या काम करोगे. सोलन मंडी को कट किया, है ना. अच्छा, और किस पर आए थे लिकोरोस की कल्टीवेशन में, मुलक्की की कल्टीवेशन में कौन नहीं था. मंडी नहीं था, मंडी के लोग मीठे नहीं होते ऐसा कुछ. ही सेम गेस, राइट. सो ये भी नहीं था. और आप शिवा प्रोजेक्ट में यू हैव ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स हियर, राइट. ये याद रखना. कमिंग बैक, गोइंग बैक टू शिवा प्रोजेक्ट. नाउ सी, अब देखो कुछ इम्पॉर्टेंट वो देखो कीवर्ड्स कैसे याद रखने हैं, जो प्रीलिम्स में भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी. ये सब चीजें फिर बजट और सर्वे की जब आर्टिकल्स पढ़ोगे उसमें हेल्प करेंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए. शब्द देखो क्या है, सब ट्रॉपिकल जहाँ पर क्लाइमेट है हॉर्टिकल्चर, लेकिन साथ में क्या दे दिया, इरिगेशन. इसका मतलब जरूर इस प्रोजेक्ट में माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी, सब्सिडीज होंगी क्योंकि टाइटल में इरिगेशन है. फिर वर्ड क्या दे दिया, वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन मतलब इस पार्ट से दैट इट इज नॉट जस्ट द कल्टिवेशन, वी आर प्रोवाइडिंग देम द सपोर्ट फॉर पैकेजिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, है ना, मार्केटिंग, प्रमोशन, एवरीथिंग. मतलब this project is a holistic effort, right. ek second beta, okay. ab dekho is project pe wo kya kar rahe hain, aaj ka latest kya chal raha hai. wo kehte hain ki farmers jo hain kahi bari wo kheti hum chhod rahe hain kyunki kya ho jata hai, wildlife ka attacks hai, conflict hai, hai na. to fir hame lagta hai is baar se jaise ab aap baat kar rahe hain ki mandi district se, if anuradha would be there to relate karti, because people from sarkaghat will relate ki humne kheti karna hi chhod diya hai kyunki kya ho raha hai, मंकीज का, बंदरों का इतना आतंक है कि कोई फसल जब छोड़ेंगे ही नहीं तो करना क्या है, है ना. तो एज अ रिजल्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या लगा रहे हैं, सोलर फेंसिंग लगा रहे हैं. तो देखो यहाँ पर पार्ट टू होगा दैट वी हैव सोलर फेंसिंग, ताकि फ्रूट्स जो है वो वाइल्ड लाइफ से बच सके. और गवर्नमेंट क्या दे रही है, आपको सब्सिडी दे रही है एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए. और इरिगेशन आया है तो क्या होगा, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट किया जा रहा है, तो सब्सिडीज है. तो ये holistically part याद रखना है. फिर यदि इसको लिखना हो, हमने पहले भी exercise की भी है, what will be the, as you can see यहाँ introduction से देखो, what is the final ultimate objective and the aim of this project, है ना. The aim of this Shiva project is to convert Himachal state from apple state to a fruit state, transformation of Himachal economy from a apple state to a fruit state. अभी हम उसको क्या कह रहे हैं, एप्पल स्टेट, बट हम चाहते हैं वो क्या बने, फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है. तो एज वी आर वांटिंग टू कन्वर्ट इट इनटू
एप्पल फ्रूट स्टेट, ये इसका एम है। इस एम को फुलफिल करने के लिए अब देखो उसके स्टेप्स देखो, कीवर्ड्स देखो, उनको फ्रूट्स का कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, हर चीज जो है, यू नो वी हैव एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट्स, है ना। तो आपका जो HPMC है ना, हिमाचल प्रदेश जो मार्केटिंग आप, तो क्या करती है, वी हैव यू नो जैसे आप यू गो टू दिस आपका हाईवे सोलन शिमला हाईवे, सो यू हैव दिस पार्ट में लॉट ऑफ आउटलेट्स, राइट, ठीक है। सो फ्रॉम एप्पल विनेगर टू यू नो एप्पल जूसेस, है ना, फ्रूट जैम्स, राइट। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग, राइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस प्रोजेक्ट, देखो जिसमें हम लैंड डेवलपमेंट, सीड प्लांटेशन, फेंसिंग, सोलर फेंसिंग की बात की, इरिगेशन पे सब्सिडीज की बात की, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, हर तरह की फैसिलिटीज जो है वी आर प्रोवाइडिंग इट। कंसेप्ट समझ में आ गया, राइट। नाउ ये हमारा बैकग्राउंड का पार्ट है ना। तो अब हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट हमने इसमें आइडेंटिफाई किए, बट अल्टीमेटली एशियन डेवलपमेंट बैंक वॉन्ट्स कि हम ये इसको 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट में ही क्या करें, इम्प्लीमेंट करें, राइट। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में इसको सक्सेसफुल होने के लिए रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि बैंक ने हमें क्या दिया है, एडिशनल जो है लोन जो है वो अप्रूव किया है। तो इसलिए हमने अब वापस न्यूज पर जा रहे हैं, तो इसलिए न्यूज का टाइटल क्या था, एक्सटर्नल फंडिंग। किस बैंक से आई एक्सटर्नल फंडिंग? एशियन डेवलपमेंट बैंक से। और वो फंडिंग क्या करेगी, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करेगी। तो इस वो शिवा प्रोजेक्ट में रिवाइज करो, कीवर्ड क्या है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिवाइज करो, हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हिमाचल स्टेट को एप्पल स्टेट से फ्रूट स्टेट बनाना। तो आपकी प्रीवियस हिमाचल स्टेट की करंट अफेयर्स बुक्स में ऑलरेडी शिवा प्रोजेक्ट पर डिटेल आर्टिकल इज देयर कि उसको लिखना कैसे है, एम, फीचर्स, डिस्ट्रिक्ट, स्कोप, एप्लीकेशन, बेनिफिट्स, दैट वेज, राइट, ठीक है, ओके। नाउ अब आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $130 million, ये आपके पार्ट में, यू नो इंडियन इज पार्ट से। सो दिस वाज इन द न्यूज कि आपके पार्ट में 1072, है ना। So, इसका मतलब 1000 से, बट एग्जैक्ट अमाउंट याद रखना पड़ेगा क्योंकि प्रीलिम्स में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दिस मच लोन हैज बीन अप्रूव्ड सो दैट हम जो है ओवरऑल जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहांस हो, राइट, ठीक है। नेक्स्ट में जो आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो आजकल हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आजकल उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें वो अनार के पौधों के साथ साथ मौसमी लगा रहे हैं। We're talking about sweet, आपके जो है lemon, और साथ साथ में pomegranate की जो है cultivation कर रहे हैं। तो इस news में they are talking about the soil, right? So ये हमने project की बात कर दी, districts की बात कर दी, right? And let me take you to the project actually that is later. यहाँ पर ये शिवा project की बात की, यहाँ पर आई, अब this part is important. Now, in this pilot project, जो भी चला है वो प्रोजेक्ट क्या है, अनार, पॉमिग्रेट एंड स्वीट लेमन, दैट इज मौसमी, राइट। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऑलरेडी जो है इस प्रोजेक्ट के लिए 75 crore जो है वो पार्ट किया, और उसमें हम जो है 4 फ्रूट्स की टेस्टिंग करें। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स का, दे मे आस्क यू टू आइडेंटिफाई द फ्रूट्स। अब देखो यदि, बट ऑब्वियस है ना, कॉमन सेंस यूज करना, उसमें यदि एप्पल का ऑप्शन आ जाए सो दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड बिकॉज वो ऑलरेडी सरप्लस है, दैट इज ऑलरेडी एप्पल स्टेट है ना। तो क्या आएगा आपके पास, अमरूद की बात होगी, गुआवा, लीची, पॉमग्रेनेट, अनार एंड अदर सिट्रिक फ्रूट, स्वीट लेमन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन, एंड ऑफ कोर्स वी आर डेवलपिंग इट इनटू द डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट, राइट। और जैसे मैंने आपको रिसेंटली बता दिया, तो रिसेंटली हमने इसको हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है रिसेंट जो केस स्टडी है, केस स्टडी आई शेयर इन द आपके पार्ट में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपकी मैगजीन में ऑलरेडी होगा, अभी तो आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। Districts will remain the same, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम मेक इन इंडिया या हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में बात करते हैं ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की, ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या है, वन क्लस्टर वन फूड। तो अब ये प्रीलिम्स का अनदर क्वेश्चन कि जो इस एक्सटर्नल फंडिंग में जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है, टोटल 7 में से कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट वन, है ना। फिर उस प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, देखो या ऐसे क्वेश्चन आ जाए, वन क्लस्टर वन फ्रूट प्रोजेक्ट जो है वो मेनली किस फील्ड से रिलेटेड है, फील्ड क्या होगा, ऑप्शन होंगी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हैंडलूम, ऐसे ऑप्शंस होंगे, तो फील्ड क्या होगा, हॉर्टिकल्चर। फिर ऑप्शन होंगी इसमें
कि ये प्रोजेक्ट जो है ये किस फंडिंग से रिलेटेड है, है ना? सो दैट इज द वन क्लस्टर वन टू एंड दैट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड, ठीक है? ऑल स्टूडेंट्स कंफर्टेबल, चलो आगे। कंक्लूजन याद रखना है रिसेंटली कि हाउ मच लोन अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर दिस, ठीक है? सो दैट मींस कंक्लूड करो, रिवाइज करो, बात कहाँ से शुरू कहाँ से किया था, शिवा प्रोजेक्ट से, है ना? तो शिवा प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स पर एप्लीकेबल है, लेकिन शिवा प्रोजेक्ट में अब हम यहाँ पर 4 फ्रूट्स की कल्टिवेशन की भी बात कर रहे हैं। उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। नाम बताओ, क्या क्लस्टर है उस प्रोजेक्ट का, नाम क्या दोगे? वन क्लस्टर वन फ्रूट अप्रोच, हो गया? तो पेयर यहाँ तक। सो दिस पार्ट इज अबाउट दिस, इसको आके देखो। इसके साथ ही अभी भी आप हॉर्टिकल्चर पर ही हो, ठीक है? आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि नेशनल लेवल की चीजें भी इंटीग्रेट करना जरूरी है, क्योंकि मेंस के जो आपके हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस हैं, हॉर्टिकल्चर मिशंस हैं, इस बार भी आपको मेंस में वो क्वेश्चंस आए हैं। तो नेशनल लेवल पर का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखो हमारे कंट्री में, कि आज टुडे विल बी द कंक्लूडिंग डे ऑफ दैट फेयर, है ना? तो पहला क्वेश्चन आएगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और इन विच सिटी, है ना? कर्नाटका, है ना? सो बैंगलोर, राइट, ठीक है? नंबर वन, तो यहाँ देखो यहाँ पे पार्ट में होगा, है ना? आप हैसर घाट, राइट, एंड दिस इज अ बैंगलोर सिटी, तो कर्नाटका नंबर वन। नंबर टू, सेकंड क्वेश्चन, ये जो हॉर्टिकल्चर फेयर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनलाइन स्टूडेंट जरा ट्राई करो कि कौन सी मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब ऑप्शन देती हूँ आपको इस पार्ट से, वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर, वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ हेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या लगता है व्हाई नॉट हॉर्टिकल्चर? नेशनल लेवल पर हम, यूनियन लेवल पर वी डोंट हैव अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर हॉर्टिकल्चर, सो यूनियन लेवल पर इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है? नंबर वन, सो मिनिस्ट्री नंबर वन क्वेश्चन मिनिस्ट्री याद रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन, ये फेयर का प्लेस याद रखना है, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2023, तो कर्नाटका स्टेट हो गई, यू नो, प्लेस हो गया आपके पास जो है बैंगलोर। नंबर नंबर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास में आएगा, इसका थीम ऑफ दिस फेयर, थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल करंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट बेटा यही इन्फॉर्मेशन आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, अब यूज कर सकते हैं ना? यदि आप देखो ये जो नेशनल फेयर हुआ, तो जो हिमाचल स्टेट के फार्मर्स हैं वो भी इस फेयर में पार्टिसिपेट करें, सो उनके लिए भी लर्निंग होगी ना, है ना? हिमाचल स्टेट क्या सपोर्ट करती है, सेंडिंग देम देयर, हैविंग दैट एक्सपोजर, लर्निंग द न्यू टेक्नोलॉजीज, है ना? और मे बी मेकिंग देयर एग्जीबिशंस देयर, अपने स्टॉल्स लगाना उस फेयर में, राइट, ठीक है? सो एज अ रिजल्ट व्हाट इज द थीम, इनोवेटिव हॉर्टिकल्चर, इनोवेशन पर फोकस किया है, है ना? तो इसको आप कहां से रिलेट करेंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी एरा है, है ना? इनोवेशन हॉर्टिकल्चर पर अल्टीमेट एम किस पर जा रहे हैं, सेल्फ रिलायंस पर, तो किससे याद कैसे रखेंगे, आत्मनिर्भर भारत, है ना? तो कंटेम्पररी इकोनॉमी के इस पार्ट को देखते हुए वी वांट कि हमारे इस फील्ड में जितना टेक्नोलॉजी यूज होगी उतना ज्यादा हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे, तो थीम याद रखना है, ये थर्ड क्वेश्चन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन आएगा बेटा, नेशनल लेवल पर इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, ठीक है? तो जो आपका ICAR है, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, ये मेन इंस्टीट्यूशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, ये 1967 में एस्टैब्लिश किया था, ये इसी का एक्चुअली सबलेट कह सकते हो या सब्सिडरी कह सकते हो। ऑल स्टूडेंट्स ठीक है ये बात, आई रिपीट, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, ये प्रीलिम्स की इन्फॉर्मेशन है, साथ साथ लिखते रहे, ठीक है? लेकिन ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए, इसका हेडक्वार्टर भी फिर न्यू दिल्ली में ही है, क्योंकि वो इसी का ही पार्ट है, तो नहीं, इसका इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपके पास, यू नो, इट इज इन बैंगलोर, यू नो, आपका जो है हैसर घाट, ठीक है, राइट? तो ऐसे मैचिंग के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने हैं, राइट? और आपको हॉर्टिकल्चर में, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, पेपर थ्री में आपका जो है अलग से सेक्शन है, इसलिए एग्जामिनर प्रीलिम्स पे ईयर बहुत पूछता है आपसे, है ना? तो दिस इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967, ठीक है? तो ये न्यू दिल्ली में है, ये कर्नाटका में है, बैंगलोर में, ठीक है? तो हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये कर क्या रहे हैं इस फेयर में, सो ऑब्वियसली फेयर का थीम क्या है, इनोवेटिव, तो वो क्या दिखाएंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज,
है ना, तो हॉर्टिकल्चर के फील्ड में यू हैव फ्लावर्स, यू हैव फ्रूट्स, यू हैव वेजिटेबल्स, उन सब पार्ट से. एंड इवन द टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू कल्टिवेशन ऑफ द एग्जॉटिक फ्रूट्स. अब यहाँ देखा आप पार्ट से, क्योंकि आप ऊना डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहा है आजकल ड्रैगन फ्रूट कल्टिवेशन के लिए, है ना. सो ड्रैगन फ्रूट एवोकाडो इन सब पार्ट के लिए. सो दिस इज द फेयर. और दिस से कि कोविड के टाइम में ये फेयर नहीं हो पाया था, फिर एक बार ये फेयर वर्चुअल हुआ था. तो एज अ रिजल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. हो जाएगा प्रिपेयर, राइट. अब देखो इसमें से एक एलिमेंट हम रिड्यूस करेंगे. हिमाचल फार्मर्स विल पार्टिसिपेट. तो नेचुरली अब दिस ईयर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, है ना. सो वो मिलेट्स प्रोडक्ट्स की भी बात कर रहे हैं. अब यदि वो मशरूम की बात कर रहे हैं तो सोलन सिटी मशरूम सिटी, तो उसका भी रेफरेंस आएगा यहाँ पर, राइट. लेकिन यहाँ देखो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप कैसे यूज करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया फेयर नहीं हुआ. तो देखो यहाँ पर अब ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, इसको आप पेपर टू गवर्नेंस पे एज प्रेशर ग्रुप्स एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी यूज कर सकते हैं. कैसे, नाम देखो क्या है, हॉपकॉम्स. नाउ व्हाट हियर हॉपकॉम स्टैंड्स फॉर, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी. तो देखो आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत ज्यादा न्यूज में है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रही है डेयरी सेक्टर में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्टर करने की, राइट. आपको पता है हमारे पास नाउ वी हैव अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव आल्सो, राइट. एंड अब यदि ये नेशनल लेवल पर ऑलरेडी हमारे पास सोसाइटी है, दिस सोसाइटी कैन एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप. प्रेशर ग्रुप से मेरा मतलब है यहाँ पर दैट इट कैन इन्फ्लुएंस एंड प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि आप हमारे फेवर में हमें और सब्सिडीज दो, हमें और बेनिफिट्स दो, हमें और फंडिंग दो. सबको ये बात क्लियर है? ऑफलाइन तुषार ये बात क्लियर है आपको? पीयूष क्लियर है? सो रिमेम्बर द नेम हॉपकॉम. तो दिस पार्ट विल हेल्प यू इन मेंस आल्सो, है ना. तो एज अ रिजल्ट दिस इज हाउ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ऑर्गेनाइज्ड एट दिस लेवल. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्टेबल, चले आगे. कुछ पूछना है यहाँ पे? यस मैम. ओके, नाउ दिस अब हॉर्टिकल्चर इज ओवर, तो दैट मींस मैक्सिमम इंफॉर्मेशन. अब आप कहाँ पर थे, कहाँ से शुरू किया था आपने ऑनलाइन स्टडी? इकोनॉमी से. फिर उससे कहाँ थे आपने एक पार्ट क्या बनाया था, दैट वाज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर. उसको क्लोज कर दो, राइट. अब इधर आज सेकंड पार्ट में टॉक अबाउट एग्रीकल्चर. लालबाग इधर बेंगलोर में, ये सारे बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में 15 से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये सारे प्लेसेस है. तो ये सब ये जो सोसाइटी भी है, फेयर कहाँ हो रहा है? बेंगलोर में, राइट. वापस चले प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग नए बजट में जरूर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होंगी. गवर्नमेंट ने प्रेजेंट न्यू गवर्नमेंट ने प्रेजेंट सीएम ने क्या अनाउंस किया था कि वो फार्मर्स से जो है वो ज्यादा जो है प्राइस पे, है ना. क्या प्राइस कोट किया था? 80 रुपीज, है ना. 80 रुपीज से जो है मिल्क जो है प्रिक्योर करेंगे, है ना. इसका मतलब कहीं ना कहीं हम डेयरी सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जैसे डिजास्टर में आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन आ गए थे कि लैंडस्लाइड्स हैं, तो नेशनल लेवल पर हमारी क्या स्ट्रेटजी है, तो नेशनल चीजें आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं. जैसे हॉर्टिकल्चर आ गया, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर रिसेंटली कहाँ कंक्लूड हुआ, ठीक है. ऐसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है ऑलरेडी NPDT डेयरी सेक्टर से रिलेटेड, हो सकता है एग्रीकल्चर में इतना डिटेल में ना भी पढ़ते हो आप, है ना. सो वी हैव नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ये नेशनल लेवल पर है. अपने आप से पूछो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या लगता है, है ना. तो इट विल कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है. अब ये जो प्रोग्राम है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, है ना, इस प्रोग्राम के ना दो कंपोनेंट्स हैं, राइट. देयर इज अ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, राइट. जो कंपोनेंट ए है वो बात करता है इनके पूरे प्रोजेक्ट के फेजेस को, कि जैसे हमने मिल्क को क्या करना है, प्रोक्योर करना है ना. फिर मिल्क उसको क्या करना है, ठंडा करना है, स्टोर करके रखना है, चिलिंग जिसे हम कहते हैं. फिर हमने अवेल करानी है उसकी ट्रांसपोर्टेशन, राइट. देखो इस पार्ट से चिलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अवेलेबिलिटी, उसकी मार्केटिंग, राइट. दिस इज कंपोनेंट ए. और कंपोनेंट बी रिलेट करता है इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग से रिलेटेड. फाइनेंस कहाँ से आएगा ये प्रोजेक्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे स्ट्रेंथन होगा, सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो कैसे इसमें कोलैबोरेट कर सकती है. आप बताओ डेयरी सेक्टर का कोई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट आपको पता हो?
कोई ऐसी कॉपरेटिव सोसाइटी, सो अमूल अमूल है ना, सो वी ऑल नो. तो आप देखो हिमाचल स्टेट में व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग इज हिमाचल स्टेट इज प्लानिंग. अब ये तो नेशनल का प्रोजेक्ट था ना, बट हिमाचल के लिए नेशनल का प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब उससे हर स्टेट को क्या होता है, नेशनल प्रोग्राम के अंदर स्टेट को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, सपोर्ट मिलती है फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज, इंस्टीट्यूशनल वाइज, राइट. ठीक है, तो स्टेट इज प्लानिंग फॉर अ डेयरी प्रोजेक्ट जिसमें हम जो है ये सारे कॉम्पोनेंट्स को इंटीग्रेट करेंगे. कॉम्पोनेंट वन ए, कौन सा कॉम्पोनेंट है ए, रिवाइज करो, प्रोक्योरमेंट चिली एंड ट्रांसपोर्टेशन, राइट. ठीक है, राइट. फिर अब हिमाचल स्टेट क्या कह रही है, हिमाचल स्टेट कह रही है कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि गांव में हम क्या बनाए, ऐसे चिलिंग पॉइंट्स बनाए, है ना, जहां पर पॉइंट्स हो, क्लस्टर्स हो, जहां पर हम मिल्क को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, चिलिंग पॉइंट्स होंगे तो नेचुरली उसको स्टोर करेंगे, उसके लिए हमें उस तरह के रेफ्रिजरेटर्स, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, हमें मिल्क वैन्स चाहिए होंगी. पंजाब और चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में देखो तो वेरका के जो प्लांट्स है तो ऐसे ही किया जाता है, पंजाब के सारे गाँव से उसको कलेक्ट किया जाता है, बट यू नीड दोस मिल्क वैन्स. एंड देन जो मेन हब होगा, मतलब जहाँ पर मदर प्लांट होगा, फिर वहां पर उसको सारा जो है वो प्रोसेस किया जाए. तो हिमाचल स्टेट इज ऑल्सो ट्राइंग टू टॉक अबाउट दिस, है ना. इससे बेनिफिट क्या होगा, फार्मर्स को बेटर प्राइस मिलेगा, वो बात हमने करंट में याद रखनी है क्योंकि स्टेट का ये इनिशिएटिव. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज और डेयरीज की इस सारे काम को सीखने के लिए हिमाचल स्टेट इज ओपन एंड प्लानिंग कि हम फार्मर्स को कहाँ भेजेंगे, एक्सपोजर विजिट पर गुजरात भेजेंगे. तो आप रिलेट करके देख लो बाय, ताकि वो अमूल मॉडल को स्टडी कर सके. तो प्रिलिम्स का ये क्वेश्चन आ गया, राइट. तो अब आपकी जो कीवर्ड्स आए, जैसे सपोज आपको अगेन पेपर थ्री इकोनॉमी में एग्रीकल्चर भी एक सेक्शन है, बहुत जल्दी आप इसकी सेपरेट क्लासेस में इसको पढ़ेंगे, तो उसपे आपका डेयरी सेक्शन के कीवर्ड्स आपके क्या होंगे, यहाँ पर यू सी देखो, यहाँ पर प्रोक्योरमेंट है ना, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग. और ये डेयरी सेक्टर किस पर काम चलता है, कैसे काम चल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से. तो इनर पे समझ में आ गया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, डू आई नीड टू रिवाइज एनीथिंग? यस मैम. यस मैम. यशपाल, शिवांशु, शिवानी, शिल्पा, रितिका, रितिक, नेहा, प्रिंस, परीक्षित, मिनरल, आपको, गौरव, दीपक, अर्चना, अनुष्का, यस मैम. ओके, अब देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इफ आई आस्क यू, अब ये पेपर थ्री की इंफॉर्मेशन थी, आप कहाँ चले गए थे, ओके, आप कहाँ थे, इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे थे, ठीक है. और आपने कहा कि बेनिफिट किसे होगा, डेयरी फार्मर्स को बेनिफिट होगा, ठीक है. इस इंफॉर्मेशन को क्या आप पेपर टू से भी लिंक कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो इसका मतलब पेपर टू में यदि कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स या मेंस का पॉइंट लिखने के लिए, तो उसमें आप हिमाचल स्टेट का एग्जांपल दे सकते हैं. वी टॉकिंग अबाउट दैट वी आर हिमाचल स्टेट इज आल्सो ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज, है ना. ऊपर आपको म्यूट करना पड़ेगा. पीपल काइंडली म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू. तो यहाँ पर आप इसको एज एग्जाम्पल यूज करेंगे अंडर पेपर टू टॉपिक ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है. रिवाइज क्या करना है, फुल फॉर्म रिवाइज करो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिवाइज करो एनपीडीटी की फुल फॉर्म ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिवाइज करो नेशनल डेवलपमेंट कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी कमिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. हो गया, हो गया. आई थिंक ऐसे कोई आप तो डराते रहेंगे, इतने सारे हैं ना, तो इसको बंद करते रहें, बेटर है. अब कोऑपरेटिव्स की बात हो रही थी, थैंक यू, बस पूछेंगे कुछ नहीं. अब कोऑपरेटिव्स की बात हो रही थी. अब देखो ये प्रीलिम्स का बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट वैसे क्वेश्चन इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है. फॉर श्योर यू एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस फ्रॉम एवरी एंगल प्रीलिम्स मेंस, दैट इज G20, है ना. पहले करंट का क्वेश्चन अपने आप से रिवाइज करो. ये पता है कि इंडिया इज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंसी है G20 की, कब तक है हमारे पास ये रिवाइज करो जरा. November 2023, है ना. अच्छा, हमारा थीम क्या है,
सीम्स याद हो गया सबको अब तक? वसुदेव कुटुंबकम, ओके. इंग्लिश में बोलना हो तो वन अर्थ वन फैमिली, बस वन फ्यूचर. वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है. अच्छा, फिर इसको वो किसके साथ लिंक कर रहे थे? दिस थीम इज इन सिंक विद, ऐसा कुछ शब्द लिख रहे थे, लाइफ ऐसा. दिस स्टैंड्स फॉर, करंट में पढ़ा है ना? मेरी तरफ ऐसे मत देखो, डोंट गिव मी दोस लुक्स. लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. हां जी बच्चों, यस, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. थैंक यू शिवांशु. ठीक है, दिस थीम इज लिंक विद दिस. अच्छा, अब इस थीम से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत सारी स्टेट्स इसको होस्ट कर रही हैं. अब आप मुझे करंट का क्वेश्चन बताओ, क्या हिमाचल स्टेट में भी कमिंग फ्यूचर में जल्दी ही G20 की कोई मीटिंग होस्ट की जाएगी? यस और नो? की जाएगी. यस मैम. ओके, आप मुझे बताओ डिस्ट्रिक्ट कहां पर की जाएगी? शिमला डिस्ट्रिक्ट में, धर्मशाला. धर्मशाला, हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और जगह हुई धर्मशाला, है ना. अच्छा, फिर ये भी बता दो कब की जाएगी. When it, मतलब tentatively कहीं proposed है, yes, thank you Abhishek, in the month of, in the middle of the April month, so upcoming April month में this meeting है, तो छुट्टियों में कहीं चले मत जाना आप पे, we will be stuck because there will be lot of VVIP motion, है ना? Okay, अब इसको mind में revise कर लिया हमने, अब यहाँ पर देखो बेटा, अब आपका हिमाचल स्टेट का question आ सकता है. G20 का हमारे पास यहाँ पर एक task force है, business group task force, ठीक है. अब इस टास्क फोर्स में सजेशंस देने के लिए, पैनल डिस्कशंस करने के लिए पूरे कंट्री से, इंडिया से 6 बैंक्स जो हैं वो सिलेक्ट किए गए, ठीक है. अब इंफॉर्मेशन ये नहीं है, इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि पूरे उसमें हिमाचल स्टेट का भी एक बैंक इस 6 बैंक्स में इंक्लूडेड है. सो दे विल से इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द स्टेट, राइट. सो नाउ योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी कि वो कौन सा बैंक है. अब ऑप्शंस आ सकती है, जैसे भी टॉकिंग अबाउट SBI की बात करें, PNB, किसी भी गवर्नमेंट बैंक की बात करें. सो इट इज हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. सो इट हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ G20 बिजनेस ग्रुप टास्क फोर्स. दिस लाइन पूरे आर्टिकल से बस यही एक इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हो जाएगा प्रिपेयर? आई रिपीट, सवाल समझ में आ गया है ना? तो आपको ऑप्शन आ सकती है ना कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक किसका मेंबर बना है. तो ऑप्शन आ गया G7 का, G20 का, लेट्स सपोज ब्रिक्स का, बिमस्टेक का, साक का, आसियान का, मतलब कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाएगी. और वो या ऐसी बात की जाएगी G20 बिजनेस ग्रुप से कौन सा बैंक है, है ना, दैट इज हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. अब देखो फिर से आ गया कोऑपरेटिव बैंक, तो फिर वो आप स्टेट पेपर 2 कोऑपरेटिव से लिंक करेंगे, है ना. This part is very important. So, and it is the pure yehi 6 banks mein se, it is the only cooperative bank which has been selected as a member. Do sawal ho gaye, do achievements ho gayi na, Himachal ka bank and then only cooperative bank from the nation, India se only cooperative bank kahan se hai? Himachal state. Sabko clear hai? गौरव, शशांक, नेहा, दीपक, सपना, क्लियर है? यस यस मैम. यस मैम. सुधांशु, शिवांशु, सबको? यस मैम. यस मैम. अब देखो आगे, अब वो बिजनेस टास्क ग्रुप में, अब देखो कीवर्ड्स देखो इकोनॉमी के, वो बैंक, ये जो बैंक्स का पैनल बन जाएगा, ये मेंबर्स हैं, ये क्या करेंगे G20 टास्क फोर्स में, क्या काम करेंगे? तो नाम क्या है इस टास्क फोर्स का? बिजनेस ग्रुप, है ना. अब ये कोई प्राइवेट बिजनेस थोड़ी करेंगे, तो वो बेसिकली इकोनॉमी को प्रमोट करने की डिस्कशन करेंगे, है ना. तो इकोनॉमी की डिस्कशंस के कीवर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना. हमारे पास कीवर्ड क्या होते हैं? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, है ना. और तो दैट मींस दे विल ऑल, अब यही कीवर्ड्स घूमते रहेंगे, वो एजेंडा डेवलप करें, वो फ्रेमवर्क बनाए, वो ब्लूप्रिंट बनाए, वो प्लान बना के दें, इंप्लीमेंट करें, लेकिन हर चीज पे फोकस किस पे रहेगा? सिर्फ दो चीजों पे. रिवाइज करो कीवर्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक. नेचुरली अब ये कोई इलेक्शन थोड़ी हो रहे हैं, आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की थोड़ी बात करोगे, और आप ये थोड़ी कह रहे हो कि आप फीमेल मेंबर्स को ही सिलेक्ट करो, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात थोड़ी करोगे. आप बिजनेस की बात करो तो दिस विल बी ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमिक. अब देखो क्योंकि हिमाचल स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक है, तो फायदा किस पर होगा हमें? कोऑपरेटिव बैंक जनरली किधर किधर फोकस करते हैं? एग्रीकल्चर पे, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज पे, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, है ना. तो बेसिकली तो दैट मींस अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक जोड़ो. हिमाचल स्टेट के एक
बैंक की रिप्रेजेंटेशन से, तो वो बैंक यदि अपने सजेशन दे रहा है तो वो बैंक लेके भी तो कितना कुछ सीख के भी तो कितना कुछ आएगा ना। नेचुरली आप इतने बड़े एक तरह से इंटरनेशनल फोरम पर हैं, तो आप वहां से कितना लेसन भी तो सीख कर आएंगे। वो लेसन हिमाचल स्टेट में एग्रीकल्चर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने में, फीमेल्स को फाइनेंशियली एम्पावर करने में कितना हेल्प कर सकते हैं। सो इट इज लाइक दैट ऑल्सो। हो गया प्रिपेयर? बस क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, द बैंक नेम और वो बैंक कौन से ग्रुप में एड हुआ है। चले आगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है? यस मैम। अच्छा एक मिनट, अब लेट मी जस्ट गिव मी वन मिनट, लेट मी चेक कि हमारे पास न्यूज पार्ट जो है वो, ताकि आपका प्लेटफॉर्म अब चेंज हो जाएगा ना। हॉर्टिकल्चर हमने कर लिया, एग्रीकल्चर कर रहे हो ना अभी? एग्रीकल्चर है ना कर देना, ओके उसके लिए फिर यहाँ दिस पार्ट आपको जो है ज्यादातर की मेंस में आपको हेल्प करेगा, राइट? ठीक है, बट यस क्योंकि स्पेशली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, यदि होम डिस्ट्रिक्ट है इसका, होम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इंटरव्यू तक भी इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प करती है, राइट? ठीक है, व्हाट दे आर सेइंग इज इस पूरी इंफॉर्मेशन में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो वूल है दैट हैज बीन सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक वूल, ठीक है। एज अ रिजल्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पालमपुर, एज यू कैन सी द एरियाज रिटन हियर, बैजनाथ, पालमपुर, मुल्तान, राइट? ठीक है, सो इन एरियाज की जो वूल है वो एक्सपोर्ट के लिए जो है दैट हैज बीन सर्टिफाइड, और वो जब एक्सपोर्ट हो रही है तो नेचुरली बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही, वही सोचो कि उनको मार्केट का बेटर जो है वो प्राइस मिलेगा। ये इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको आपने लिंक कहाँ कहाँ करना है, रोल किसका आ रहा है, ये देखो इस पार्ट से। अब वहां पर वी टॉकिंग अबाउट द गद्दी कम्युनिटीज, तो आप ट्राइबल ग्रुप्स के ड्यू ट्राइब्स में यहाँ पर पढ़ते हैं, राइट? तो एक तो पहले पेपर टू शेड्यूल ट्राइब्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये पार्ट आ गया, है ना। फिर आपके पास जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के एरियाज आ गए, यू नो ऑल आर द सभी ब्लॉक्स ही है कांगड़ा में देखा जाए इस पार्ट से, है ना। एनीबडी फ्रॉम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? अभिषेक आप हैं लाइन पे? ओहो अच्छा, व्हाट इज द पिक्यूलियर थिंग अबाउट मुल्तान इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? आप कहाँ से आते थे कांगड़ा में? ओके, एनी पिक्यूलियर थिंग यू कैन हेल्प अस? हाँ क्या कह रहे हैं बच्चों? मुल्तानी मिट्टी मिलती है, वो तो अब जाके ही पता चलेगा, पाकिस्तान वाले उत्थान की। और कुछ चर्च की बात मत बोलना कभी। हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन यू हेल्प? अभिषेक भी कांगड़ा से ना, एनीबडी? और भी बहुत एस्पिरेंट्स होंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। एनी पिक्यूलर थिंग अबाउट मुल्तान? अभिषेक कुछ याद है, कुछ हेल्प कर सकते हो? इट इज इन द बॉर्डर ऑफ द मंडी डिस्ट्रिक्ट, इट इज जस्ट बैंग ऑपोजिट द बरोट वैली। मुल्तान एरिया जो आपका पार्ट में है, यू नो यू क्रॉस मंडी, देन यू एंटर मुल्तान, देन यू नो यू मुल्तान इज ओवर, देन अगेन मंडी। तो मतलब वो मंडी, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज द लोकेशन ऑफ मुल्तान इज अदरवाइज। और अनदर पार्ट, मुल्तान क्यों फेमस है? मस्टर्ड ऑयल के लिए। पूरे हिमाचल में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सरसों का तेल जो है वो आपको कहाँ से मिलता है? इस पार्ट से, फ्रॉम दिस मुल्तान रीजन। सो ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। एनी हाउ कमिंग बैक, अब भाई ये अब पिक्यूलियर बात यहाँ पर क्या है कि ये जो गद्दी, जो ये जो आपके शेफर्ड्स हैं, इनकी जो वुड है ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो है इन्हें हिमाचल से नहीं मिला है। ये पिक्यूलियर चीज है यहाँ पर, है ना। This, as you can see here, it is from Uttarakhand agency, है ना? So there is Uttarakhand State Seeds Organic Certification Agency, वहां से मिला है। अब naturally इस certification की वजह से benefits क्या है? देखो news क्या कहेगी इनको, they are getting better prices. बस information यहाँ पर ही है, वो उस better prices से export has been increased. वो जो wool है वो कहाँ export हो रही है? Europe, USA. तो आप देखो, अब आप इसको कहां से रिलेट कर सकते हैं? ट्राइब्स की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से रिलेट कर सकते हैं। एसिमिलेशन, रिमेंबर स्किड्यूल ट्राइब्स के कीवर्ड्स, एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन। सो वांटेड टू हैव दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर फिर इंफॉर्मेशन, रेस्ट यू कैन स्किप एक्चुअली, यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर टेलिंग यू कि अच्छा हिमाचल स्टेट जो है वो उनको जो है वूल का, जैसे मान लो 64 रुपीज पर केजी प्राइस ऑफर कर रही थी,
लेकिन इस सर्टिफिकेशन के बाद क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स सर्टिफाई हो गया कि ऑर्गेनिक है और एक्सपोर्ट हो रहा है तो नाउ दे आर फेचिंग द प्राइसेस समवेयर इन द रेंज ऑफ 77 to 85 rupees. बट कश्मीर के वूल के साथ भी उनका कंपटीशन रहता है तो कई बार प्राइसेस जो है वो क्रैश भी कर जाते हैं. So there are case studies here related to, but yes, one information you can say, the Kangra district में this बड़ा बंगाल area, so this is Ghumantu Pushpak Sabha. So ये सब information हिमाचल स्टेट की ना आप अलग से यहाँ नोट कर लेना क्योंकि आपको पेपर टू में कैसे आता है और प्रेशर ग्रुप्स ऑर्गेनाइज ग्रुप्स के एग्जाम्पल आपको examples है ना आपको टॉपिक्स हैं NGOs प्रेशर ग्रुप्स तो फिर हमें NGOs की नेशनल examples की हमें कौन से एग्जाम्पल लिखने पड़ते हैं स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिखने पड़ते हैं. ठीक है सो रिमेम्बर दिस घुमंतक बोलो पुष्पालक सभा राइट. ठीक है वन अब इस सभा को इस मतलब ऑर्गेनाइज ग्रुप को एक एनजीओ ने यहाँ पर हेल्प किया था तो देखो इसका मतलब हिमाचल स्टेट के एनजीओ के नाम आपको आ जाएंगे यहाँ पर. सो दिस एनजीओ शिखर कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसने इनको हेल्प किया टू गेट द सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन. ठीक है आई रिपीट अब पूरी आर्टिकल से ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है डज इट मेक एनी सेंस. आपने डिड्यूस क्या किया कि ऑर्गेनिक वूल है. ऑर्गेनिक वूल क्या हो रही है एक्सपोर्ट हो रही है. सर्टिफिकेशन किसने दिया है उत्तराखंड स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी ने दिया है ना. फिर आपको जो है यदि ये वूल के उनको बेटर प्राइसेस मिल रहे हैं तो बेनिफिट किसे हो रहा है गद्दी कम्युनिटी को बेनिफिट हो रहा है. तो अब आप देखो यहाँ पर इसको हम लिंक करेंगे अभी लिंक करते हैं इसको और एनजीओ का नाम शिखर कोऑपरेटिव और उनका ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप घुमंतु पशुपालक सभा. ठीक है अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको पेपर टू में आप जल्दी आगे पढ़ेंगे आपको है ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन. ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन तो उसमें आएगा ना कि हिमाचल स्टेट के ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए क्या क्या किया जा सकता है या ये आएगा कि हिमाचल स्टेट ने क्या क्या किया है ना. तो वहां पर आपको इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी कि गद्दी ट्राइब्स के लिए हिमाचल स्टेट जो है अपने अपकमिंग बजट में क्या कर सकती है स्पेशल प्रोविजन उनको सपोर्ट प्राइस दे सकती है ताकि कश्मीर के से जो उनको कंपटीशन है उनको हमेशा मार्केट से अपनी वूल का फेयर प्राइस मिलता रहे. ये इंफॉर्मेशन है क्लियर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है शगुन नेहा दीपक शिवानी. So this takes care of your agriculture का part है ना. I think अब हम वापस चले जाएंगे. This part was taken care of. Tourism की बात करें अब economy में ही put up a heading या उससे better है economy में ही put up a heading tourism में पहले आप लिखो उससे important topics है यहाँ पर renewable energy. पेपर थ्री में आपको अलग से एक यूनिट है रिन्यूएबल एनर्जी या आप उसको आपको टॉपिक आ सकता है ग्रीन एनर्जी. ठीक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में और आई एम वी आर वेरी श्योर कि अपकमिंग बजट में जो है इससे रिलेटेड जरूर इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है रिन्यूएबल एनर्जी लेट्स सी दिस. अब आपका टॉपिक ये हो गया वापिस गए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं टूरिज्म नहीं इंडस्ट्री नहीं ग्रीन एनर्जी स्टेट. इसके कीवर्ड्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट. ठीक है नाउ दे से दैट ये न्यूज में क्यों है ग्रीन एनर्जी स्टेट का पार्ट क्यों है. स्टेट सीएम ने क्या कहा कि 2025 तक या 2025 तक हिमाचल जो है कंट्री की फर्स्ट स्टेट बन जाएगी ग्रीन स्टेट बन जाएगी. तो ये मेंस का क्वेश्चन आ जाएगा कि हिमाचल स्टेट ने ये बनने के लिए अब तक क्या मेजर्स क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. या ये न्यूज में इसलिए भी था कि हिमाचल स्टेट में क्या हुआ था आपके पार्ट में गवर्नमेंट व्हीकल्स क्या थे ई व्हीकल्स है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे तो गवर्नमेंट ने कहा कि धीरे धीरे जो है हम मोस्ट ऑफ द पार्ट में और स्पेशली जो आपका जो है गवर्नमेंट मिनिस्टर्स जो यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो यूज कर रहे हैं वो व्हीकल्स क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो उसके लिए अब चार्जिंग स्टेशन है ना बसेस इलेक्ट्रिक हो जाएंगी ऐसे ऐसे की कुछ रोड मैप्स की बात हो रही थी. उस कंटेक्स्ट में अब आप इस न्यूज को देखिए कि व्हाट इज दिस ग्रीन एनर्जी स्टेट टारगेट अबाउट. ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है कीवर्ड देखो और आपके मेंस का क्वेश्चन देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो कीवर्ड क्या है
that Himachal, what are the question kya aayega, what are the Himachal plans so that move from the green growth theek hai to climate resilient green Himachal state. देखो टर्मिनोलॉजी कैसे चेंज करती ना, एग्जामिनर विल लुक फॉर इन योर आंसर्स कि आपने ये कीवर्ड्स लिखे हैं कि कुछ नहीं किया है तो सब कुछ ग्रीन और सस्टेनेबल ही, लेकिन उसने तो क्या कहा है, ग्रीन ग्रोथ टू क्लाइमेट रेजिलिएंट, अपकमिंग क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, है ना. सो व्हाट कैन बी डन, जैसे हमने कहा कि एप्पल स्टेट से हम किस पे जा रहे हैं, फूड स्टेट पे जा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे, शिवा प्रोजेक्ट पे. ऐसे ही हम वी आर मूविंग फ्रॉम ग्रीन ग्रोथ टू क्लाइमेट रेजिलिएंट. रेजिलिएंट का मतलब है कि जो उस क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त कर सके, सह सके, अडैप्टेबिलिटी हो उसकी, ठीक है. इसके लिए अब डेस्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो डिपार्टमेंट, नॉट ओनली दिस डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट्स क्या क्या ग्रीन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं. कीवर्ड देखो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ग्रीन इनिशिएटिव, राइट, ठीक है. अब देखो, वी आर वॉन्टिंग टू हैव इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी. गवर्नमेंट इज वॉन्टिंग कि 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट में ई व्हीकल्स हो, क्लियर है. फिर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी वही लगाएंगे जो सस्टेनेबल होंगे. सो गवर्नमेंट इज नाउ डिबेटिंग, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नहीं लगने चाहिए. सो वी शुड हैव स्मॉल स्केल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है. और कई बार इस पार्ट से जिनका कम मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स, तो फिर हम हिम ऊर्जा को ही दे देते हैं, है ना, दैट वे. सो और आप जब इकोलॉजी में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं नेशनल क्लाइमेट चेंज मिशन, राइट, ठीक है. तो जो ना हमारा नेशनल क्लाइमेट चेंज मिशन प्लान है, तो उसके अंदर वन ऑफ द प्लान इज ग्रीन इंडिया मिशन. ग्रीन इंडिया के लिए हम उस पे क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री. दैट मींस अब जैसे देखो हिमाचल स्टेट में वी हैव दिस चैलेंज ऑफ फॉरेस्ट फायर, है ना, फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर, राइट. अब कमिंग सीजन में दिस इज अ रिकरेंट हमारी जो है इशू और थ्रेट है, राइट, ठीक है. How we can increase the forest cover of Himachal state? How we can deal with this issue of forest fire? Is point of view sir? Now what they are saying is, अब यहाँ पर अब another prelims का question. आपको short note भी आ सकता है 4 marks में, सीधा इस program के ऊपर question आ जाएगा. Write a note or describe green resilient. तब याद हो जाएगी, क्योंकि हम green growth से यहाँ पर आ रहे थे, climate resilient, green resilient integrated development program. Prelims का question आएगा. इस प्रोग्राम में कौन सी एक्सटर्नल एजेंसी इन्वॉल्व्ड है, तो बताओ क्या नाम है इस पार्ट से. तो ऑप्शंस आ जाएंगी, हमेशा हमें लगेगा कि या तो जीका का प्रोजेक्ट होगा, है ना, जीका, राइट, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, जीका स्टैंड फॉर, राइट. या हमें लगेगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा, राइट. तो हियर इट इज वर्ल्ड बैंक. सो वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम, तो वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से हिमाचल स्टेट अपना रोड मैप क्या बना रही है, रिवाइज करो, फ्रॉम green, moving from green growth to climate resilient green growth. So इसलिए हमारा program क्या है, it is a integrated development program, right, ठीक है. So और हमारा इस program में जो ultimate aim है, this part is very important, the aim is to have green energy state. और इसीलिए हिमाचल सीएम क्या बात आर अनाउंस कर रहे हैं, 2025 तक हिमाचल will become the, repeat करो, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट ऑफ द कंट्री, ठीक है. ये अनाउंसमेंट के बाद रिसेंटली, अब ये न्यूज क्यों थी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की टीम ने रिसेंटली हिमाचल स्टेट को विजिट किया, स्टेट के साथ इस प्रोग्राम को डिस्कस किया और इसकी कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट की गई. तो ये अब आपका सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. जब शिवा प्रोजेक्ट में अभी लोन अप्रूव किया था उसका कितना अमाउंट था, याद हो गया, 2500 करूं, राइट, ठीक है. सो अगेन दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने पार्ट कर लिया, राइट. अब इसको टारगेट को अचीव करने के लिए उनको हिमाचल स्टेट को क्या क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे, टीम ने विजिट कर लिया, डिस्कशन हो गई, तो हिमाचल स्टेट ने क्या कमिटमेंट करी, हिमाचल स्टेट ने कहा कि दैट इट विल हैव 200 मेगावाट सोलर पावर जो एनर्जी प्लांट जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे. ये इंस्टॉल करने के लिए नेचुरली हिमाचल को जो है मोर लैंड भी एक्वायर करनी पड़ेगी. एंड हिमाचल स्टेट इज टारगेटिंग कि एटलीस्ट जो हमारी सोलर एनर्जी प्लांट्स हैं वो 2024 तक ये जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है. तो ये हिमाचल स्टेट ने वर्ल्ड बैंक की टीम को कमिटमेंट करी है, राइट. ये हम पढ़ रहे हैं, अब फ्यूचर में हमें देखना पड़ेगा ना कि ये कमिटमेंट किया, अब इस पे काम कब कैसे क्या शुरू हो रहा है, राइट. देन They're talking about कि हम क्या करेंगे, e-vehicles adopt करेंगे. तो सोच के देखो, आपका अभी सेकेंड आर्टिकल हम इसी से रिलेटेड करेंगे
हिमाचल स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट डिपार्टमेंट जो कि क्या यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहा है. सो हेंस प्रूव्ड कि अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, एंड वी आर वांटिंग कि 2025 तक हम इसको पूरा जो है वो पूरा मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो है वो ई व्हीकल्स पर ही शिफ्ट हो जाए. ठीक है, राइट. फिर हम आप पार्ट में आए स्टेट में ये भी कमिटमेंट करिए कि हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को इम्प्लीमेंट करेंगे. आपने नेशनल लेवल के करंट में पढ़ा होगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडिया का फर्स्ट जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो आपका एनर्जी प्लांट है वो इंस्टॉल किया है, स्टार्ट किया है. आपने करंट में पढ़ा होगा इसको, बताओ कहाँ पढ़ा था. ऊना में नहीं याद. अच्छा एक मिनट, स्टेट से बाहर आना पड़ेगा. एक मिनट क्लू सुन लो तक्षम, क्लियर है आपकी. सो आप क्या करेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी इन इंडिया, बिकॉज कंट्री का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया. अब यहाँ पे क्लू भी आ गया आपके पास कि वो तभी मैंने कहा हिमाचल स्टेट से बाहर जाना पड़ेगा तो नॉर्थ ईस्ट में. ये एक नेशनल लेवल का करंट है, आप रूटीन करंट में इसको पढ़ रहे होंगे, है ना. तो नॉर्थ ईस्ट में कहां पर पार्ट ने आपको किया है, असम. तो ये भी पता होना चाहिए आपको. तो स्टेट सीएम ने कहा है क्योंकि हम भी, यस थैंक यू अंजलि, थैंक यू नेहा, यस इट इज राइट, इट इज असम है ना. इसलिए असम की बात करें जॉर्हट में किया. यदि आपका पता नहीं ना आपके एग्जामिनर का कहीं पर बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं. ठीक है, तो जॉर्हट इन असम ये पता होना चाहिए. और हम नेचुरली यदि हम भी इस प्योर ग्रीन हाइड्रोजन के इस प्लांट्स पर आ जाएंगे तो नेचुरली हम भी जो है लीस्ट जो है पॉल्यूटेड स्टेट बन जाएंगे, है ना. दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, डू आई नीड टू रिपीट. तो अब ये कीवर्ड्स, ये मेंस के कीवर्ड्स हैं आपके, है ना. कि वो आपसे पूछे फ्यूचर, जैसे मेंस में लिखना होता है ना, तो हम कहें कि अच्छा 2025 तक ग्रीन बनना है तो फ्यूचर प्लान क्या होने चाहिए, जिसको हम लिखते हैं ना मेंस में, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. तो ये उसके कीवर्ड्स हैं. गवर्नमेंट इसका रोड मैप कैसे बनाएगी, इट इज येट टू सी. मे बी इन दिस बजट मे बी वी हैव मोर इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू इट, है ना. तो वो क्या है, हमने अभी फॉरेस्ट्री की बात की थी, सस्टेनेबल फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, इको टूरिज्म, इको सिस्टम सर्विसेज, मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. इको टूरिज्म की बात हो रही है तो दैट इज नेचर बेस्ड टूरिज्म. ये कीवर्ड्स हैं आपके, है ना. तो पूरे आर्टिकल से निकला क्या, डिड्यूस किया कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिवाइज करो, हिमाचल स्टेट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने के लिए कौन सी एजेंसी हिमाचल स्टेट को इसमें हेल्प कर रही है, रोड मैप क्या है. ऐसे याद रख लो 2025 तक बनना है ना, तो रोड मैप की कॉस्ट क्या है, 2500 करोड़ बनना है, ऐसे याद रख लो, है ना. तो वो 2500 करोड़ है. ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक टीम को क्या कमिटमेंट करी है, 200 मेगावाट के सोलर प्लांट जो है 2024 तक जो है लगा देंगे. और हमने एक स्टेप ऑलरेडी इनिशिएटिव क्या लिया है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ई व्हीकल्स को लिया. ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, कुछ रिपीट करो यहाँ तक. यस क्लियर. एक वनिता, अर्चना, सबको, रुचिना आपको, गौरव, शगुन, सीमा. यस मैम. यस मैम. ओके प्रिंस आपको, अंकुश, अंजलि, आदित्य, अर्चना, सबको क्लियर है. अब इसी से रिलेटेड एक मिनट इसको छोड़े, यहाँ से देखो इसी पार्ट से रिलेटेड ये स्पेसिफिक हो गया क्योंकि आपको इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है. ये प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन होगी, मेन हेडिंग वही है. क्या था वो, मूविंग फ्रॉम, रिवाइज करो कीवर्ड ऑल स्टूडेंट्स रिवाइज करो, मूविंग फ्रॉम ग्रीन ग्रोथ टू क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन ग्रोथ, है ना. तो हमारा अप्रोच क्या थी, प्रोग्राम कौन सा था जिसपे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो मैंने आर्टिकल रिड्यूस कर दिया, आप बताओ. नहीं समझ आया तो बात बताओ. ग्रीन रेजिलिएंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना. तो इस पर नोट आ सकता है, तो शुरू ही ऐसे करना है वो. अब यहाँ से देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, अभी भी आप कहाँ है, क्या था प्लेटफॉर्म, क्या था आपका, रिन्यूएबल एनर्जी, इकोनॉमी के सेक्शन का रिन्यूएबल एनर्जी. अब वो कह रहे हिमाचल की ग्रो ग्रीन अप्रोच से हिमाचल ने क्या किया है, तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन आ गया. हिमाचल हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, यहाँ पर ना टर्म मिसिंग है, टाइपिंग एरर है. हिमाचल हैज टेकन द मोस्ट एम्बिशियस, यहाँ पर आना चाहिए था इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट या स्टेप, इस तरह से.
कि टर्म मिसिंग है आपके कंट्री में, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा. Now Himachal has become the first in the country to switch entire fleet of petrol and diesel vehicles into the electric ones. E-vehicles की जो भी हमने बात की, इसमें means के keywords हैं आपके, क्योंकि फिर वो क्या होंगे, cost effective होंगे, environmental friendly होंगे, बस ये keywords हैं. हाँ जी ऊपर कर रहे हैं, बताओ. कि स्टेट जो हिमाचल का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इट हैज बिकम द फर्स्ट डिपार्टमेंट इन द कंट्री कि हम अपने व्हीकल्स को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ना, कि हम पेट्रोल डीजल व्हीकल्स नहीं यूज कर रहे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं. सॉरी अभी हमने जो ऑफिशियल्स है, जैसे कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, वो तो हमने सारे ही चेंज कर दिए. वी हैव ऑलरेडी डन इट. तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहे इस पार्ट से, राइट? सो इट इज टॉकिंग अबाउट फ्लीट ऑफ, फ्लीट से आपका मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ. तो लाइन इस कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका इस पार्ट से, मिनिस्टर्स ऑफिशियल्स जो आपकी यूज हो रहे हैं, गवर्नमेंट व्हीकल्स, गवर्नमेंट व्हीकल्स, ऑफिशियल गवर्नमेंट व्हीकल्स, राइट? आप देखो आगे इसी रोड मैप को अभी आपका और क्लियर हो जाएगा. अडॉप्टिंग द गो ग्रीन अप्रोच डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो आदित्य आपकी वो जो लाइन थी, has replaced official petrol and diesel vehicles with electrical vehicles. ठीक है, so as a result, वो जो हमारा इससे जो पेट्रोल पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा था, जो पोल्यूशन क्लाइमेट जो है पोल्यूट हो रहा था, that will be taken care of, right? ठीक है, and this you will study also later on. हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी has been also notified. किसी भी एरिया की पॉलिसी होने से डिसीजंस और इनिशिएटिव्स लेना इजी हो जाता है, क्योंकि पॉलिसी ऑप्शनल. स्टूडेंट्स आप पब्लिक पॉलिसी से रिलेट करें, क्योंकि पॉलिसी आपको एक विजन देती है और फिर पता होता है कि अब आगे आगे क्या क्या स्टेप्स करते हैं. आप देखो इसके स्टेप्स क्या है, क्या इसके आपके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे. यहाँ पर एक बात आपने, यहाँ पर ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ से है. इलेक्ट्रिक बस डिपो विल बी ओपन्ड इन नादौर. नादौर मतलब हम आप कहाँ पर चले गए, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में चले गए. तो एक बार तो हमीरपुर से, राइट, ये बात याद रखनी है. फिर जो आप आदित्य देखो, जो आपका आगे जो हम आगे कह रहे हैं पब्लिक व्हीकल्स के लिए, तो उन्होंने लिखा कि अभी हमने ऐड करना है 300 इलेक्ट्रिक बसेस विल बी एडेड टू एचआरटीसी, ठीक है. और उसके लिए लेकिन गवर्नमेंट ऑलरेडी 400 करोड़ हैज बीन सेंशन. बजट सर्वे में ये सारी इंफॉर्मेशन आएंगी. अभी से ये स्टैटिस्टिक्स लर्न करने शुरू कर दो, ठीक है. ऐसे अगला क्वेश्चन आएगा, ऐसे यहाँ पर बात भी कर रहे हैं कि इसकी इम्प्लीकेशन क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका जो है करोड़ अमाउंट का कॉस्ट ही बहुत है, एचआरसीटी वैसे ही लॉसेस में है ना. सो दैट इसकी दैट विल बी द इम्प्लीकेशन व्हिच आई हैव ऑलरेडी रिटन. सो हिमाचल इज ऑलरेडी वर्किंग, ये आपने पढ़ लिया. इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2025 है ना. तो मैंने आपको पहले कहा ये बड़ी न्यूज थी, बड़ा आर्टिकल था, उसकी हम एक छोटी बात पढ़ रहे हैं, ठीक है. अब देखो वो कहते हैं हिमाचल में इस समय 21 लाख व्हीकल्स हैं जो रजिस्टर्ड है. तो टाइम्स टू कम, ये स्टैटिस्टिक्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना आपके पेपर 3 रिन्यूएबल एनर्जी के टॉपिक में. टाइम्स टू कम हम सभी व्हीकल्स को फेजिंग में धीरे 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 ग्रेजुअली, ऑप्शनल स्टूडेंट्स रिलेट करो, इंक्रीमेंटल अप्रोच मॉडलिंग थ्रू. तो धीरे धीरे हम उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, राइट. सो एज अ रिजल्ट हमारे ऑयल इम्पोर्ट्स पर भी जो है डिपेंडेंस कम हो जाएगी, है ना. सो और अब अनदर आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये आ सकता है आपको पार्ट में कि हिमाचल स्टेट में कौन सा कॉरिडोर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू हैव क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर. देखो पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, वो आपका इलेक्ट्रिक बस डिपो कहाँ बना है ना. सो दैट इज हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट नागौर. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा, ग्रीन एंड क्लीन कॉरिडोर, तो वो परमानु नालागढ़ ऊना हमीरपुर नागौर देरा हाईवे, ये पूरा कॉरिडोर आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस पार्ट में आएगा कि आपका जो है इलेक्ट्रिक स्टेशंस कहाँ बन रहा है. आई थिंक यहाँ पर मेंशन होगा नेक्स्ट पार्ट से, एक मिनट, चार्जिंग स्टेशंस, राइट, ठीक है. सो दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच चार्जिंग स्टेशंस वी आर प्लानिंग, राइट, ठीक है. सो वी आर प्लानिंग गुड अबाउट डिफरेंट नेशनल और स्टेट हाईवेज में इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो नेचुरली वी वॉन्ट चार्जिंग स्टेशंस ऑल्सो हो जाएगा. और इवन हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स ऊपर करें, चलो कॉरिडोर पे चले. अच्छा नोट करना है, परवान नालागढ़ ऊना हमीरपुर नादौन देगा हाईवे, ठीक है.
स्वालाइन स्टूडेंट्स ठीक है, इसमें से डिड्यूस क्या किया, डायरेक्टरेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ई व्हीकल्स है ना, ये डिड्यूस किया। एम किसके साथ सिंक इन कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रीन एनर्जी स्टेट, फर्स्ट स्टेट बनना है हमने 2025 तक, उसका इनिशिएटिव है ठीक है। उसके लिए आप चाहिए क्या, आपको चार्जिंग पॉइंट्स चाहिए, इलेक्ट्रिक बस का एक डिपो चाहिए राइट ठीक है, और आप कौन कौन से हाईवेज नेशनल हाईवेज को आप कहीं जगह क्या अनाउंस करना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर, मतलब कि उस हाईवे पर क्या चले, इलेक्ट्रिक बाइक, पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या चले, इलेक्ट्रिक बाइक ईबी चले, है ना। दिस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में भी क्वेश्चन आ गया, इस आर्टिकल को कंक्लूड करते हैं, यदि मेंस में क्वेश्चन आ जाए, देखो मैंने इसलिए अलग से लिखा है सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन, मतलब मेंस का क्वेश्चन अभी इस स्टेप से क्या बेनिफिट होगा। तो एक तो नॉर्मल होता है हम आंसर लिखते हैं क्या बेनिफिट होगा, तो हम कॉमन सेंस से लिख देंगे कि भाई जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो क्या बेनिफिट होगा, तो आप क्या कहोगे, पॉल्यूशन कम हो जाएगा है ना, ये ग्रीन मिशन को जो है अकम्पलिश करेगा, हिमाचल में वैसे ही ब्यूटी जो है वो मेंटेन रहेगी, इकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी, आप ये लिख देंगे। लेकिन जो स्पेसिफिक है या एविडेंस के साथ डाटा के साथ लिखना है, तो आप बेनिफिट क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आपके पार्ट में जो आपका एचआरटीसी है वो ऑलरेडी जो है यू नो डेली देखो आप इस पार्ट से लॉसेस देखो या उसका एक्सपेंडिचर देखो बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑन द पेट्रोल एंड डीजल, उसका जो डेली का एक्सपेंडिचर है दैट इज रुपीज 1.5 करोड़, तो वो एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये फिर आपने उसको लिख किया कि ये जो ई व्हीकल्स का जो कंसेप्ट है ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ सिंक इन करेगा, तो आपने ये बेनिफिट बताया ना, तो आप उसको नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल तक ले गए ठीक है। फिर आपने कहा कि भाई यदि आपका ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा है ना, तो इससे लेटर ऑन आप इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं ना, और नेचुरली गवर्नमेंट जो है इसमें कमर्शियल बिल्डिंग्स को होटल्स को भी यूज करेगी जहां पर चार्जिंग स्टेशंस जो है वो ओपन किए जाएंगे, इसका मतलब आप प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हो जाएगा प्रिपेयर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ शुड आई रिवाइज एनीथिंग, रिपीट एनीथिंग, संतोषी, शिवानी, शगुन, सबको क्लियर है, शशांक आदि क्लियर मैम, क्लियर क्लियर ओके, अभिषेक, अंजलि, दीपक, प्रिया, शिल्पा, शिवांशु, आपको यस मैम। सो अब आपका दिस रिन्यूएबल एनर्जी इज टेकन केयर ऑफ है ना, अब इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अब अपने पार्ट पे हेडिंग लिखो, अब रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, नेक्स्ट इज आओ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमेशा याद रखो, बार बार हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम रेलवे रोड्स की बात करते हैं वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जब हम इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करते हैं वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जब हम हॉस्पिटल स्कूल बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड ठीक है। इसके अलावा जब हम इंडस्ट्रियल सेटअप की बात करते हैं ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करते हैं, इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए बात करते हैं है ना, तो वो हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की होता है राइट ठीक है। सो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स में हम जैसे हिमाचल स्टेट में सोलन डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा इंफोसिस रहता होगा अपनी इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए है ना, तो यदि हम बद्दी चंडीगढ़ रेलवे प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है ना, रेल्स, रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जब भी पढ़ना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, नेशनल लेवल पर हमेशा याद रखो आपके पास नेशनल प्रोग्राम्स क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर के, अभी रिसेंटली पार्ट में बहुत ज्यादा न्यूज में है हिमाचल गॉट द फंड्स इन दैट गति शक्ति है ना, सो और यदि हम रोड से रिलेटेड बात करते हैं वी हैव भारतमाला प्रोजेक्ट्स है ना, पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं तो यू हैव सागरमाला, तो हमेशा पहले इसको माइंड में रखो, फिर आप देखो इस बार से छोटा सा पार्ट है आपका, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली यूनियन बजट देखा होगा है ना, तो ये भी जरूरी होता है सिंकिंग करना, सिर्फ स्टेट बजट नहीं पढ़ना, यूनियन बजट में स्टेट के लिए क्या था, यूनियन बजट से स्टेट को क्या बेनिफिट हुआ, क्या स्टेट के लिए कोई स्पेशल स्कीम या कोई फंड्स या कुछ एलोकेशन अनाउंस हुआ, यू नो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। आएंगे कहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, शिल्पी स्टार्ट, यस मैम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रेलवे प्रोजेक्ट्स फॉर हिमाचल प्रदेश, रेलवे प्रोजेक्ट, रेलवेज किसका सब्जेक्ट है,
यूनियन का सब्जेक्ट है, तो वो उसमें से जो देना है एलोकेट करना है वो यूनियन में करना है. तो आप देखो फर्स्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है ना. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ गया, यूनियन गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट जो है यहाँ पर स्पेस होना चाहिए था. यूनियन गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड, यू नो, सो इट इज 1902 करोड़ है ना. सो मतलब 1900 प्लस करोड़ हैज बीन फॉर थ्री रेलवे प्रोजेक्ट्स इन द रीसेंट बजट. सो दैट मीन्स हम आप इस बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर ये एयर भी लिखा होना चाहिए. ऑल आई स्टूडेंट्स, ठीक है, चलो आगे. मेनली आपको ये अमाउंट याद रखना है, मेनली, ठीक है. एंड एग्जांपल्स पे टॉकिंग अबाउट, अब ये उस अमाउंट की क्या है, सेग्रीगेशन है. अब आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट ब्रॉडली हिमाचल स्टेट में नेशनल लेवल पे या अदरवाइज स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलवे प्रोजेक्ट्स है, एक पर्टिकुलर क्लास में हमने रिलेट भी किया था, है ना. सो आपका भानुपल्ली बिलासपुर बैरी, आगे जो हम बात कर रहे थे लद्दाख तक की, है ना, राइट, ठीक है. देन नंगल, तलवाड़ा, चंडीगढ़, बद्दी. इस चंडीगढ़ बद्दी पर तो इट इज अ रीसेंट प्रोजेक्ट, दो इट इज लॉन्ग अवेटेड, है ना. इट वाज अप्रूव्ड वेरी अर्लियर, बट लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है एंड एवरीथिंग. किसी भी स्टेट में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो स्लो क्यों होते हैं, बिकॉज फर्स्ट थिंग क्या होती है, लैंड एक्विजिशन, फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस, राइट, ठीक है. सो मेनली आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट किया था, द रेस्ट यू कैन स्किप आल्सो. हाँ जी, नंगल से आगे आनंदपुर साहब के आगे थोड़ा सा आगे, उससे शुरू वहां से हो रहा है ना. फिर आपका बिलासपुर, बानपली के बीच में बी आता है, बैरी. आप अक्षिता आप रिलेट करेंगे, है ना, बैरी. फिर उसके बाद आपके पास जो है बिलासपुर, ठीक है, राइट. दिस बस दैट्स इट, इतना मोर देन सफिशियंट है. ऑल आई स्टूडेंट्स, ठीक है. मेनली क्या याद रखना है, टोटल अमाउंट से तो आ सकता है ना. हिमाचल रीसेंट बजट में हिमाचल स्टेट को मेनली किन प्रोजेक्ट्स में पार्ट मिला है, तो एरिया पूछा जा सकता है. तो पूछेंगे फ्लाईओवर्स के लिए मिला है, रोड्स के लिए मिला है, नेशनल हाईवेज के लिए मिला है, या ऐसे पूछ सकते हैं मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मिला है या रेलवेज के लिए मिला है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा. तो क्या है, रेलवेज के लिए मिला है. सेकेंड क्वेश्चन क्या आ सकता है, अमाउंट कितना है. चले ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है. Yes, ma'am. Okay. ये भी छोटा सा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट कर रहे थे तो यहाँ पर इसको इंडस्ट्री लिख सकते हैं. आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये न्यूज इम्पोर्टेंट नहीं है. शुभम इज टेलिंग मी टू लीव, जाऊं थोड़ी देर, थोड़ी सी देर का और है टॉर्चर, ठीक है. यू आर सेइंग कि अभी सब लोग देख लूंगे ना, इकोनॉमी खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, है ना. सो बस हार्डली, अब आपने मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिया, अनदर 5 मिनट्स वी विल कंक्लूड इकोनॉमी सेक्शन, राइट. अवेयरनेस वर्कशॉप फॉर इंडस्ट्रीज एट ऊना डिस्ट्रिक्ट, ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच, कि ऐसी तो कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहते हैं, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है कि आप नेशनल की चीज को स्टेट के साथ कैसे लिंक करते हैं, क्योंकि स्टेट में अगेन पेपर 3 में आपको क्या है, इंडस्ट्रीज ऑफ हिमाचल स्टेट, 20 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार भी आए हैं, और हर बारी जो है दिस इंडस्ट्री पार्ट इज इम्पोर्टेंट. ऊना और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा हिमाचल स्टेट में किस लिए फेमस है, बिकॉज ऑफ द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है. ऊना पीपल फ्रॉम ऊना डिस्ट्रिक्ट, कुछ रीजन्स और एरियाज बताओ जो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी फेमस. दो स्टूडेंट्स हु हैव डन इट, अभिषेक, प्रियंका, सुधांशु, रजत, यस परीक्षित इज सेइंग गगरेट, यस थैंक यू अभिषेक, यस थैंक यू परीक्षित, मेतपुर, गगरेट, मेतपुर, हरोली, रिमेम्बर ये आपको, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, प्रीलिम्स का सवाल आ सकता है, ये नहीं आ सकता खाली ऊना, ठीक है. हरोली, मेतपुर, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं, जैसे सोलर डिस्ट्रिक्ट में आप बद्दी बड़ोटी वाला को इंडस्ट्रियल बेल्ट कहते हैं, तो यहाँ पर हरोली, मेहतपुर एंड गगरेट, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दीज आर द मोर ऑर लेस, गगरेट इज वन ऑफ द ब्लॉक दैट आई एम अवेयर. ये सब इंडस्ट्रियल एरियाज है, पिक्यूलर इंडस्ट्रियल एरियाज है ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पर पार्ट. अब यहाँ पर वापस इसको रिलेट करते हैं, अवेयरनेस वर्कशॉप जी ऑर्गेनाइज की गई, तो ऑर्गेनाइज की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपके पास डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री कौन सी आएगी आपके पास, इंडस्ट्रीज, है ना, तो यहाँ पर सॉरी एमएसएमई, है ना, सो उस डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया. और बट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है कि वो वर्कशॉप का जो एम था, दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट है. वैसे ही आप नेशनल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया में पढ़ते हैं,
क्या है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट. मतलब हम क्या चाहते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हों वो क्वालिटेटिव हो, तो उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना. जीरो इफेक्ट क्या है, इस पार्ट से सस्टेनेबल हो, है ना, उस वेस्ट को भी हम क्या कर सके, रीयूज कर सके. तो इस दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट. ठीक है, अब वो क्या कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है इस पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को जो है ट्रेनिंग दे रही है, कंसल्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है. और इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है वो क्या है, कि जो एंटरप्रेन्योर्स इस स्कीम के पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं तो उनको तीन तरह की सर्टिफिकेशन दी जाती है. अब देखो, रिलेट करके देखो, वी टॉकिंग अबाउट गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज. दैट मींस नेचुरली गोल्ड के लिए आपके पैरामीटर्स और लेवल्स बहुत हाई होंगे, एज इफ की बिल्कुल कोई डिफेक्ट नहीं है, सुप्रीम क्वालिटी है ना, और कोई इफेक्ट भी नहीं है, ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, राइट. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन इज, सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अब इस इन्फॉर्मेशन को मेंस में कहाँ यूज करोगे, आप कहोगे कि जो वर्कशॉप ऊना डिस्ट्रिक्ट के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए की है वो ऑल ओवर हिमाचल में जो बाकी अपकमिंग इंडस्ट्रियल बेल्ट है, या इवन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी वी हैव अ सेक्शंस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, इवन सोलन डिस्ट्रिक्ट में भी. तो ये वर्कशॉप जो है रेगुलर फीचर पर, रोटेशन वाइज जो है हर डिस्ट्रिक्ट पर कंडक्ट होनी चाहिए. इस इंफॉर्मेशन से और क्या पता चलता है, अगेन वही बात, जब नेशनल लेवल की कोई स्कीम और प्रोजेक्ट होता है तो उससे स्टेट को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है. जैसे आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पढ़े, रिवाइज करो जरा, सिर्फ इकोनॉमी को कंट्रोल करने की डेट ना करो, थोड़ा रिवाइज करो. नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी, फिर आपके पास आपने पढ़ा नेशनल ग्रीन एनर्जी मिशन, है ना, फिर अभी क्या पढ़ा, जीरो इफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, प्रिया, संतोषी, सुधांशु, शगुन, शशांक, शिवांशु, सबको, ओके. बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जाना तो उन्होंने आगे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ना कभी ले तक है, दैट वेज, राइट. सो दैट पार्ट इज इम्पोर्टेंट. तो इस न्यूज को इसलिए यहाँ यहाँ से देखना है. ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है कि वर्कशॉप रिसेंटली हुई थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई थी. तो ठीक है, यदि आप अवेयर है कि एक मिनट, दिस वन डाउट पर ड्रग पार्क, अंजलि आप पूछ रहे हैं, एक मिनट बेटा, आई रीड आउट योर डाउट. यू आर आस्किंग पर ड्रग पार्क जो है वो ऊना में डेवलप हो रहा है. हाँ जी, अभी तक तो है, अब तो वैसे भी नहीं वहां से जाएगा. परीक्षित इज राइटिंग हरोली में, यस. यदि जैसे पेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ डेवलप हो रहा है, मेडिकल डिवाइसेस पार्क नालागढ़ में, है ना. बल्क ड्रग पार्क कहाँ डिवाइस हो रहा है, ऊना में. फूड पार्क कहाँ है, ऊना में. फूड पार्क स्टेट का फर्स्ट फूड पार्क कहाँ है, ऊना में, है ना. बल्क ड्रग पार्क ऊना में, यस. ठीक है, और मेडिकल डिवाइसेस पार्क नालागढ़. सो रिमेम्बर हरोली में, जो आपके डिप्टी सीएम है वो वहीं से हैं, बस ऐसे याद रखें. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, थैंक यू परीक्षित, थैंक यू सुधांशु, अंजलि आपका डाउट क्लियर हो गया बेटा, ओके. टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्ट, और टूरिज्म में भी आपके पास ये कौन सा पार्ट आएगा स्पेसिफिक, हम बी बिलिंग की जब बात करते हैं, पैराग्लाइडिंग की बात करते हैं, तो क्या याद आता है हमें, टूरिज्म. ठीक है, यहाँ पर ना एक सबसे पहले तो ना एक करेक्शन है, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो यहाँ पर ईयर गलत टाइप हो गया बेटा. सबसे पहले तो इसको ठीक करो, क्योंकि आपकी स्टेट में ना ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है. प्लीज मेक दिस करेक्शन आपके नोट्स में जो है, यदि यदि आपके पास नोट शेयर हो गए हैं, इट इज 2015. अभी क्या हम बात करें, देखो आपको सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल स्टेट में वर्ल्ड कप, इफ यू कैन सी हियर, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप फॉर पैराग्लाइडिंग. तो ये कप जो है वर्ल्ड कप, कब फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना. सो इट वाज देयर इन 2015, मतलब प्रिसाइजली अक्टूबर 2015. ये यहाँ पर गलती है, इट इज नॉट
है ना। दूसरी बात, बीर बिलिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में बात आई थी, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है, पिछली न्यूज आ गई कि पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था ना, सो एक्चुअली वो वर्ल्ड कप हुआ था तभी तो बीर बिलिंग क्या हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर, इट वॉज रिकॉग्नाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज डेवलप्ड, और कहीं पर भी इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का मतलब, जैसे अभी हम कहें वर्ल्ड हॉकी कप रिसेंटली कब कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, उड़ीसा, है ना, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनकरेजमेंट, है ना, तो लोकल यूथ की कितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, नो डाउट। अनफॉर्चुनेटली बीर बिलिंग काफी ज्यादा न्यूज में नोटोरियस बेस पे रहता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं, है ना, एंड देन यू टॉकिंग अबाउट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन इशूज है, और बहुत बारी पैराग्लाइडिंग को हमने क्या किया, बैन भी किया है, डेथ ऑफ द ट्रेंड यू नो पीपल फॉरनर्स, है ना, नेवी ऑफिसर्स एंड वॉट नॉट, टूरिस्ट ऑल्सो, है ना, ये अभी कुछ सालों से इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, बिकॉज हम कहीं ना कहीं देर इज अ प्रॉब्लम विद द रेगुलेशन, सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, है ना, दैट्स इट। अब कमिंग बैक टू द न्यूज, अब देखो जैसे एसोसिएशन सामने आ जाती है ना, उसको अलग से साथ में लिख लो, प्रेशर ग्रुप का एग्जाम्पल पेपर टू में हेल्प करेगा, जैसे एप्पल्स ग्रोअर्स की एसोसिएशन होगी, अभी कोऑपरेटिव फार्मर्स की देखी थी, जैसे आपने घुमंतु पशुपालक सभा देखी थी, है ना, तो डेयरी फार्मर्स की कॉपरेशन हो गई, हॉर्टिकल्चर फार्मर्स की हो गई, है ना, जैसे हिम बुनकर है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने कहा कि हम जो है वर्ल्ड कप जो है, अब नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है, जैसे 2015 में हुआ था पहला, अक्टूबर 2015 में, अब अगला हम कब प्लान कर रहे हैं, ये एक बार आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग का, है ना, ये नहीं आया, जगह नहीं आई, क्वेश्चन आया कौन सी वैली में हुआ है, तो ऑप्शन आ गया जैसे कांगड़ा वैली, बरोट वैली, है ना, पिन वैली, ऐसे ऑप्शन आ गए, यू गॉट इट। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आ सकता है, वैली वाइज भी आ सकता है, स्पेसिफिक जगह भी आ सकती है, ओके। अब यहाँ देखो, अभी नेचुरली अब यहाँ पर देखो एक नाम आया है, इट हैज बीन नोटिफाइड बाय पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड एसोसिएशन, इसका मतलब जो हिमाचल की स्पेसिफिक एसोसिएशन है उसका नाम क्या है, रिवाइज करो, बीर बिलिंग, है ना, और जो वर्ल्ड कप एसोसिएशन है दैट इज पैराग्लाइडिंग, है ना, और यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन के लिए देख लो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कहाँ की एसोसिएशन है, यहाँ पे फ्रांस की, ये आ सकता है सवाल आपको आगे, क्योंकि अभी एसोसिएशन आगे न्यूज में रहने वाली है बहुत इस साल कम से कम, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, यस मैम। तो ये आ गया पैराग्लाइडिंग जो एजेंसी है, इट इज एन इंटरनेशनल एजेंसी, ये एजेंसी ये इवेंट्स जो है वो मार्क करती है, राइट, एक्चुअली टूरिज्म डिपार्टमेंट का रोल रहेगा, वी आर एक्सपेक्टिंग जो है पीपल विल पार्टिसिपेट इन दैट, ठीक है। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होती होंगी, अब ये अपने मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से जरा मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रीमलाइन करो, कोई भी इवेंट जब हम उसको किसी भी जगह पर, स्पेशली हिमाचल स्टेट में, जब हम ग्लोबल लेवल का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो सोचो क्या इम्प्लीकेशन होती होगी, सबसे पहले तो हमें लाइवलीहुड की रिकॉग्निशन मिलती होगी, यस, हां जी, लाइवलीहुड, और क्या कह रहे हैं, यस, उस जगह में कितनी ज्यादा शॉप्स, मार्केटिंग, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती होंगी, है ना, आपके पास से वो पिक्यूलियर जो स्पोर्ट्स है ना, उसको भी, उसकी भी प्रमोशन है, यस, फिर आप यू नो देयर आर वेरियस एरियाज ऑफ द हेरिटेज एंड द प्रमोशन ऑफ दैट कल्चर, राइट, ठीक है। सो दैट मींस आप इसको एडवेंचर टूरिज्म से रिलेट करेंगे जब, है ना, तो क्या हिमाचल स्टेट में, आप क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, हिमाचल स्टेट में क्या इस समय सिर्फ कांगड़ा वैली में बीर बिलिंग ही एक जगह है जो पैराग्लाइडिंग के लिए है, या कहीं और अभी कुछ बात हो रही है, ओके, तो सिशाल के सेइंग सिरमौर, सिरमौर में कौन सी जगह है, चांसन, सुधांशु, हाँ संतोषी बताओ, चांसन पीक, चांसन पीक तो सिरमौर में तो नहीं हुई ना, वो तो शिमला में है, हरिपुर धार, है ना, अच्छा आप बताओ अक्षिता, बिलासपुर में आजकल कहाँ न्यूज क्या चला हुआ है, बंदला में होती है ना पैराग्लाइडिंग, तो आजकल क्या कर रही है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए, तो वहां पे भी तो प्रैक्टिस हो रही है पैराग्लाइडिंग, और अभी रिसेंटली क्या डिसीजन लिया है कि जब नलवाड़ी फेयर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फेयर पढ़ते हैं फेयर से फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल, नलवाड़ी
कैटल एक्सचेंज ट्रेड फेयर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का, तो जब नलवाड़ी फेयर ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो उसमें भी पैराग्लाइडिंग जो है वो है। और बंदला आप कहाँ पढ़ते हैं और क्या है बंदला में? फर्स्ट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ हिमाचल स्टेट, है ना? ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस पार्ट विल बी रिलेटेड टू टूरिज्म, नेक्स्ट ये हमने कर लिया। देखो अब आपका एक अवधि खत्म हो रहा है। दिस इज दिस स्टूडेंट्स के यहाँ से देखो, यहाँ पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का रोल आएगा, है ना? दैट हिमाचल, यू नो, आपका जिसे हम कहते हैं डीडी हिमाचल चैनल हैज बीन लॉन्च, ठीक है। तो इसको हम बहुत सारे एंगल से देख सकते हैं, सिर्फ टूरिज्म ही नहीं कहना चाहिए, रादर इसको आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आपको क्वेश्चन आए मेंस में या अदरवाइज भी प्रीलिम्स का, तो सिंपल क्वेश्चन है कौन सी मिनिस्ट्री, पहला क्वेश्चन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। चैनल का नाम आ सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है ना, सो ऐसे आ जाए ऑप्शन डीडी शिमला, डिस्ट्रैक्टर्स ऐसे आ सकते हैं इस बार से, या ऐसे आ जाए दीदी सॉरी डीडी देवभूमि, है ना? हाँ दीदी भी आ जाए चलो, है ना, और दीदी हिम चैनल ऐसे भी आ सकता है ना। सो चैनल का नाम ध्यान रख लेना इस बार से, सो डीडी हिमाचल चैनल, राइट, दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट। फिर अब इसकी इम्प्लीकेशन जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होगा वो क्या है, वो ये पार्ट है कि अब इस चैनल पर प्लेटफॉर्म क्या होगा, दैट वी विल प्रमोट और वी विल शो हिमाचल कल्चर हेरिटेज। सो दैट मीन्स सोचो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से सोच के देखो, डॉक्यूमेंट्रीज प्रोग्राम्स, राइट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जैसे हमने अभी बात किया फेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल फेयर्स है। अभी रिसेंटली अभी कोई रिसेंटली इंटरनेशनल फेयर कंक्लूड हुआ है? शिवरात्रि। सो दैट मीन्स ऑल दीज इवेंट्स, वेदर इट इज स्पोर्ट्स इवेंट्स आल्सो, राइट। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी कोई स्पोर्ट इवेंट कैंसिल हुआ, कोई हिमाचल स्टेट में कोई स्पोर्ट इवेंट कैंसिल हुआ? मैच था धर्मशाला स्टेडियम में, वो कैंसिल हुआ। अब हम आगे जैसे पैराग्लाइडिंग इवेंट्स की बात कर रहे हैं ना, सो इट कैन बी एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, है ना। फ्रीडम फाइटर्स हिमाचल स्टेट में वीरभूमि किसको कहते हैं? कांगड़ा। अब यदि ऑप्शन में कॉम्बिनेशंस ना हो, सोचो आपके पास ऑप्शन आए और उसमें कॉम्बिनेशंस नहीं है, कांगड़ा हमीरपुर लेट्स से नो अदर डिस्ट्रैक्टर्स बिलासपुर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पक्की बात है कॉलेज स्टूडेंट्स, थ्योरी में आप बुक्स में कांगड़ा पढ़ते हैं, चेक कर लेना इसको। हमीरपुर वो मेरे को कोई इसमें दो राय नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हेल्प करो, क्वेश्चन है कि मतलब विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज वीरभूमि ऑफ हिमाचल स्टेट, और ऑप्शन में है कांगड़ा और हमीरपुर और कॉम्बिनेशंस नहीं है। कांगड़ा। शगु ने सही, मेजोरिटी कांगड़ा की तरफ है। चलो आई विल चेक एंड डू माय होमवर्क। अंकुश इज आल्सो सेइंग कांगड़ा। वो सवाल ये नहीं है ना, आप बात नहीं समझे इस बार से। सवाल ये नहीं है कि मैक्सिमम आर्मी पर्सोनल्स कहाँ से है। सुधांशु सिंह हमीरपुर, सोचो जरा एक मिनट इस पे। हाँ तुम गूगल पे पहुंच गए, चलो तुम्हारा डीडी हो गया। ये लास्ट ही क्योंकि ओपन था, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, ये सिर्फ ये मैंने आपको यूज करना है गवर्नेंस में, क्योंकि चंबा आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स में आएगा जल्दी, आप इसको पढ़ेंगे। और ये सस्टेनेबल आपका जो है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, क्योंकि चंबा के होम स्टे को दे हैव गॉट अ सस्टेनेबल अकोमोडेशन ऑफ द वर्ल्ड। सस्टेनेबल अकोमोडेशन किसे कहेंगे? जहाँ पर हमने ज्यादा आर्टिफिशियलिटी या कंक्रीट या अपने जो है अपनी नेचर और इमीडिएट सराउंडिंग्स को जो है वो मैनिपुलेट नहीं किया है, इट इज लाइक दैट। हाँ क्या रिजल्ट निकला तुम्हारा? हमीरपुर। बेटा मेरी बात समझ लो आज ध्यान से, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते हैं हिमाचल स्टेट की वीरभूमि, ठीक है। लेकिन यदि सवाल आए जैसा आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम आर्मी पर्सोनल्स जो है ना, जैसे आप कहें कि आर्मी फोर्स या ऑफिसर्स भी नहीं कहना चाहिए, पर्सोनल ही कहना चाहिए, मैक्सिमम वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से है आपके? दैट इज फ्रॉम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, राइट। सो रिमेंबर दिस, हो गया दिस पार्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है? यस मैम।
राइट ठीक है सो यू विल विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक. इनको तो लग रहा है क्लास ही खत्म हो गई. खत्म कर दे क्लासेस ओवर जो इतनी मेहनत की है इसमें. टेक 5 मिनट्स ब्रीदर राइट. उसके बाद आपको जो है हार्डली 10 to 15 मिनट लगेंगे टॉपिक्स को कंक्लूड करने में. टॉपिक्स ओपन करने पड़ेंगे ना उसके लिए 5 मिनट चाहिए. टेक्नोलॉजी है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है यू गिव मी 5 मिनट्स. ओके मैम. यस मैम. यस मैम. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू देयर? शिल वी स्टार्ट? प्रिया, शशांक, शिवांशु, गौरव, संतोष. यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस सर. तंजीन, सब लोग. प्रियंका. यस मैम. यस मैम. ऑल राइट ठीक है. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको. जस्ट फिनिश राइट. बच्चे पहले स्टार्ट. नाउ दिस पार्ट अब मैंने रैंडमली कुछ ले लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए है ना. दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू राइट. अपना हेडिंग लिखो प्लीज. आज हेडिंग लिखो इकोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट. इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में आपका पेपर 1 में आपको एक सेपरेट यूनिट है डिजास्टर मैनेजमेंट पे है ना. थैंक्स टू उत्तराखंड जोशी मठ क्राइसिस ऑल्सो ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि हिमाचल स्टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे. बैकग्राउंड में हमेशा याद रखो कि नॉर लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स के बाद थैंक यू द हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है इसमें. IIT मंडी इज हेल्पिंग कि हमने अर्ली लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किए. कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ने तो ये सारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है ठीक है. ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ने तो MOU ही साइन कर लिया है IIT के साथ IIT मंडी के साथ कि हाँ और वनरेबल साइट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं ठीक है. अभी लेट्स सी कि अब मंडी IIT मंडी के पास ऑलरेडी बहुत रिच जो है डाटा बैंक है. बहुत ज्यादा जो है एनालिसिस है. कोई बात नहीं. हाँ प्लीज मिल जाए ठीक है. अब यह देखो इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है. 2 न्यूज को हम क्लब करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं ठीक है. फिर इसमें आपको क्वेश्चन भी आया हुआ है. नेशनल लेवल पर पहले ही याद रखो हमारे पास वी हैव नेशनल. लिखो जरा इसको एक मिनट लक्ष्मी थोड़ा इस पार्ट से. सो वी हैव नेशनल लैंडस्लाइड ऑल राइट. नेशनल लैंडस्लाइड वार्निंग है ना मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. ये नेशनल लेवल की हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ही लैंडस्लाइड्स लैंडस्लिप्स को रिड्यूस करने के लिए हमारी एक सेपरेट स्ट्रेटेजिकल प्लान है ठीक है. नेशनल लैंडस्लाइड वार्निंग अर्ली लैंडस्लाइड वार्निंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ठीक है. अब इस कंटेक्स्ट में हिमाचल स्टेट में देखो अब जो लेटेस्ट न्यूज है वो क्या कह रही है कि जो IIT मंडी के रिसर्चर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मतलब दैट मींस कंप्यूटर की नॉलेज मशीन लर्निंग को यूज करके एक्यूरेसी को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स दिस इज द न्यूज राइट. दैट मींस ये आप डिजास्टर मैनेजमेंट में कहां पर यूज करोगे. डिजास्टर मैनेजमेंट जब हम व्हेन यू स्टडी डिजास्टर मैनेजमेंट तो हम उसमें फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ते हैं कि या तो हम डिजास्टर को क्या कर सके प्रिवेंट कर सके फर्स्ट कॉम्पोनेंट. इफ नॉट तो हम क्या कर सकते उसके लॉसेस को रिड्यूस कर सके मिटिगेशन. और उसके बाद कहीं जाकर बात होती है कि जैसे अब हम तुर्की सीरिया की बात करें कि डिजास्टर हो ही गया देन वी टॉकिंग अबाउट रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी फ्रॉम दैट लॉस ठीक है. सो दिस इज पोस्ट डिजास्टर दिस इज प्री डिजास्टर. तो जो IIT मंडी के जो एल्गोरिथम्स हैं या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं वो किस में हेल्प करेंगे हमें प्री डिजास्टर फेज में. तो पहला प्रीलिम्स का सवाल आ गया सवाल. आई रिपीट माई क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है. IIT मंडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एल्गोरिथम्स या मशीन लर्निंग आपको किस में हेल्प करेगा प्री डिजास्टर या पोस्ट डिजास्टर. तो इट इज प्री डिजास्टर. उसमें क्या है यू नो नॉट एग्जैक्टली प्रिवेंशन है ना क्योंकि लैंडस्लाइड्स का पार्ट में तो वी हैव इनफ ऑफ मैनमेड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जिसकी वजह से हमने पूरा उसको फ्रेजाइल कर दिया है. बट इट विल हेल्प इन मिटिगेशन है ना वार्निंग प्रिपेयर्डनेस जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. तो मिटिगेशन से क्या हो ताकि लॉस जो है वो कम हो ये बात यहाँ पर लिखी है. सो यू नो
excuse me, now they have explained you the algorithms and how they will do. So naturally वो क्या करेंगे, predict करेंगे extreme events, they will create vulnerable mapping also, you know, hazard mappings, कौन कौन से एरियाज जो है वो ज्यादा वनरेबल है, राइट, ठीक है. एंड देन दे विल हेल्प यू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि हम टाइमली डिसीजन ले सके. जैसे हम टाइमली डिसीजन ले सके तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल रिलीज द ऑर्डर कि व्हीकल्स क्रॉस नहीं करने चाहिए. वो सब हो जाता है ना ऐसे. और रिसेंटली अभी आप देख रहे थे चंबा डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आर वेरी वेरी एक्टिव. और याद रखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है ना, जिसके चेयरपर्सन डीसी होते हैं. तो DDMA के सपोर्ट से जो है ये IIT मंडी इस मॉडल वर्क कर रहे हैं. अभी दिस वाज लेटेस्ट, इसी के साथ मैंने इसको क्लब कर दिया है, राइट, दैट दिस इज अ डाटा वेयर वी से अनफॉर्चुनेटली हिमाचल स्टेटमेंट टेबल से देखेंगे तो आपको ये इजी हो जाएगा पढ़ना इस पार्ट से. ये देखो ये आपका ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया. दिस डाटा रिलीज्ड बाय ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSIU. क्या बोला है आपका 2020 में हिमाचल स्टेट में 16 जो है वो इंसिडेंसेस हुए लैंडस्लाइड से रिलेटेड. बट इफ यू कैन सी द नंबर इट इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज और हेल्थी न्यूज टू शेयर दैट 2022 में इट हैज इंक्रीज्ड टू 117. तो एक तो ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ जाएगा. दूसरा पार्ट आ जाएगा इस पार्ट से. अब GSI की हेल्प से दिस पार्ट एक इंफॉर्मेशन क्या है, एक इंस्टीट्यूशन क्या है आपके पास, IIT मंडी. वो क्या कर रहा है, रिवाइज करो, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं. तो वो हमारे जो है इसका प्लान क्या है, मोस्ट ऑफ सभी डिस्ट्रिक्ट्स पर जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे. बट प्राइमेटली अभी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इंस्टॉल किया ये आप यहाँ पर देखेंगे. कैसी सबसे पहल किसने की थी, कांगड़ा, जैसे मैंने आपको कहा DDMA ने. DDMA क्या हुआ फुल फॉर्म, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिवाइज करो. जो है पूरा मैप आउट करने में इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट, राइट. तो स्टेट गवर्नमेंट अब किसकी हेल्प ले रही है, इवन GSI की हेल्प ले रही है ताकि वो उन साइट्स को आइडेंटिफाई करें, है ना. और उन साइट्स को आइडेंटिफाई करने से हमारे पास इम्पोर्टेंट बात क्या होगी, हम जो है उसकी हैजर्ड मैपिंग कर सकते हैं. यू अंडरस्टैंड हैजर्ड मैपिंग, मैपिंग ऑफ द एरियाज दैट दिस एरिया इज वेरी प्रोन टू द हैजर्ड्स, प्रोन टू द डिजास्टर, राइट, ठीक है. सो अभी ये एट प्रेजेंटली नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा. GSI एट प्रेजेंटली कौन से डिस्ट्रिक्ट में काम करे, तो सबसे प्रायोरिटी हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट होगी. रिसेंटली मैक्सिमम लैंडस्लाइड्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में होते आ रहे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट. किन्नौर प्रेजेंटली GSI इज एनालाइजिंग नाउ 12 लैंडस्लाइड प्रोन साइट्स इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट. दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट, ठीक है. सो नेचुरली अब हमारा जो टारगेट है दैट वी विल कवर ऑल द अदर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, ठीक है. तो डिजास्टर मैनेजमेंट से इम्पोर्टेंट कीवर्ड क्या निकले, रिवाइज करो, अर्ली लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम, IIT मंडी का रोल, GSI का रोल, और आपकी कांगड़ा, किन्नौर और मंडी डिस्ट्रिक्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन इट. तो ये आपका इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट पार्ट देखो, दिस टर्म इज इम्पोर्टेंट, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, शायद पढ़ा भी हो आपने इस पार्ट से. आपका पहला क्वेश्चन आ जाएगा दैट व्योम, व्योम, व्योम एक्चुअली मींस स्पेस, है ना, आकाश को कहते हैं हम, प्राइवेसी शब्द है उसका, हिंदी भी आपने लेटर ऑन पढ़नी है ना. सो व्योम जो आप लिखते हैं वो क्या कह रहा है, इट इज अ क्राइम रिस्पॉन्स सेंटर. या आपको ये व्योम में इतना है कि इसकी पूरा पार्ट क्या पूछा जा सकता है आपसे. It is integrated surveillance and crime response center. Remember this part. Integrated surveillance crime response center. पहला क्वेश्चन, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है इनॉग्रेट हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश हुआ है. सो इट इज एज यू कैन सी हियर मंडी डिस्ट्रिक्ट. आई एम नॉट एबल टू मार्क इट. प्रोग्राम वेयर यू विल हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और ये प्रोग्राम क्या करेगा, इसके अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट में देयर विल बी कैमरास इंस्टॉल्ड, हाईटेक कैमरास. एज अ रिजल्ट वो ट्रैफिक के पॉइंट, ट्रैफिक कंजेशन,
राइट ठीक है एवरीथिंग विल बी टेकन तो डाटा जो है वो सारा रिकॉर्ड होगा राइट इन केस ऑफ क्राइम ऑल्सो इन केस ऑफ थेफ्ट ऑल्सो राइट ठीक है सो वो सस्पेक्टेड व्हीकल्स विल बी मॉनिटर थ्रू दीज कैमरास है ना तो एक सिस्टम की सर्विलेंस में उसको इंटीग्रेट टर्म क्या थी इंटीग्रेशन उसको इंटीग्रेट किया जाएगा विद द ट्रैफिक मैनेजमेंट नेटवर्क है ना एज अ रिजल्ट उससे क्या होगा ट्रैफिक डीकंजेशन भी होगा एंड उसको इवन लेटर ऑन अभी आप इसमें देखेंगे उसको इंटीग्रेट किया जाएगा इवन विद द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ऑल्सो आईआईटी मंडी की हेल्प से तो एक सिस्टम से क्या क्या पता चलेगा ट्रैफिक मैनेजमेंट स्ट्रीमलाइन होगी इन केस ऑफ क्राइम यू विल गेट द इंफॉर्मेशन लैंडस्लाइड्स के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन यदि पूरे सिटी में आप 250 प्लस कैमरास इंस्टॉल करेंगे सो नेचुरली एंट्री एंड द एग्जिट पॉइंट ऑफ द एवरी सिटी और जैसे आपने रिसेंटली एग्जांपल दिया मंडी दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल फेयर सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेयर मैनेजमेंट ऑफ द फेयर सर्विलेंस कहाँ पर ट्रैफिक है कहाँ रेगुलेट करना है दिस विल बी टेकन केयर ऑफ अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप किन किन पॉइंट से यूज कर सकते हैं मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से पिलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन क्या है नॉर्म नहीं है ना फुल फॉर्म मतलब इसका जो मीनिंग है रिवाइज करो वो क्या है पॉइंट से यहाँ से रिवाइज करो इट इज ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिवाइज करो इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड क्राइम रिस्पॉन्स सेंटर अब ये सेंटर आपको कौन कौन से एरियाज में हेल्प करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा यदि आपको ट्रैफिक डीकंजेशन में हेल्प कर रहा है तो बेसिकली ये एक तरह से अर्बन गवर्नेंस में हेल्प कर रहा है यदि आपको क्राइम थेफ्ट में हेल्प कर रहा है इसका मतलब ये आपको एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी में हेल्प कर रहा है तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रॉड कीवर्ड्स यूज करने होंगे कर सकते हैं शिवानी सोनम गौरव प्रिया नेहा शर्ब्रिया सबको क्लियर है जी ऑफलाइन सबको Yes, ma'am. Okay. So, ये information जो है आपके लिए important हो गई. Then ये part, अब this is more or less the last part, but बहुत important है. और जब native district आपका बिलासपुर हो, so all the more important है ना? पहले mind में थोड़ा सा revise करो या from Chandigarh to बिलासपुर और Chandigarh to मनाली रोड है ना? बिलासपुर district की history को revise करो. What happened was Bagda time, Alexander. है ना फिर the lower part the whole district was merged, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर we have this Gobind Sagar dam, right? And अब उसपे कुछ ऐसे Bilaspur district में कुछ ऐसे temples थे जो पानी के नीचे ही आ गए थे. अब government उसको क्या करना चाह रही है? Restoring the temples क्योंकि अभी भी क्या होता है? वो कब आते हैं? अगर जब पानी कम level जो है वो कम हो जाता है ना? तो अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है इसको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो है ना इसको आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और गवर्नमेंट जो है इसमें व्हाट इज द इनिशिएटिव और इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड कि आर्ट एंड कल्चर टेंपल्स के आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बिलासपुर टेम्पल से रिलेटेड आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है तो हर एंगल से ठीक है न्यूज क्या है इस बार से दैट गवर्नमेंट इज नाउ वांटिंग कि आपका जो ये गोविंद सागर लेक में बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट में when the water level recede and we see the these temples ये तो सारा information part है यहाँ से आपका शुरू होगा government is wanting to restore the temple है ना तो एक information आपकी important यहाँ पर होगी शायद amount mention भी हो not able to write it इसपे जो है government has allocated or sanctioned not mistaken 1400 crores project राइट हो सकता है यहाँ पर मेंशन भी होगा आगे आप जिसमें नीचे है ओके सो एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये होगी कि 28 टेंपल्स ऑफ ओल्ड बिलासपुर मतलब ये आपका काम जो है सिंगल डैम का कब शुरू हुआ था हमारा इस पार से 1955 में 1955 प्रिसाइजली और देन दे से देयर इज अ रिपोर्ट व्हिच सेज दैट 30,000 एकर्स ऑफ लैंड ऑफ बिलासपुर वाज मर्ज है ना सो नेचुरली तब आपके पास जो बिलासपुर वाज शिफ्टेड टू द जो अभी प्रेजेंटली जहाँ सदर है आप यू बिलोंग टू सदर है ना सो दिस और उस समय के बात में ये कहते थे कि जब भागना नंबर डैम को उस समय प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था दे वर कंसीडर एज टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया तो द आयरनी ऑफ द ऑथर क्या कह रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया टेंपल मतलब इस डैम को बनाने के लिए वो टेंपल जो है वो क्या हो गए थे मर्ज हो गए थे है ना सो उन 28 टेंपल्स को सॉरी
रिस्टोर करने के लिए नाउ गवर्नमेंट हैज यस यू आर राइट कि ये मेंशनड है यहाँ पर 1400 करोड़ अमाउंट टू कंजर्व एंड टू रिलोकेट दोस टेंपल. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ गया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के टेंपल्स की रिस्टोरेशन की बात हो रही है. आंसर साथ साथ बताते रहो. बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट. दूसरा क्वेश्चन आ गया कितना अमाउंट एलोकेट किया है. बहुत सारे अमाउंट्स हो गए आज आपके पास, अमीर हो गए आप लोग, काफी करोड़ आ गए है ना, तो वो आपके पास जो है 1400 करोड़ हो गए. तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि टोटल कितने टेंपल्स थे, तो ऑप्शन आ जाएगी 8 थे, 18 थे, 28 थे, ऐसे सवाल आ जाएंगे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कौन सी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होगी इस बार से. तो देखो हिमाचल प्रदेश रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नो डाउट आगे जाके डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म भी हेल्प करेगा इसके साथ है ना. ठीक है, अब ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होगी. अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आए सारे आर्किटेक्चर से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, जो आप रिस्पेक्टिव ऑप्शन अपने टॉपिक्स में आगे आप लोग पढ़ेंगे ही इसको. तो अब यहाँ पर देखो इस बार से पीपल फ्रॉम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट विल टेल अस है ना, रंगनाथ टेम्पल आपके पास, कलेश्वर टेम्पल एंड नादेश्वर टेम्पल. तो और ऑफकोर्स डेटीज कौन से है यहाँ पर, वी हैव लॉर्ड शिवा, शिव पार्वती की है आपके पास मूर्तिज, और क्या है इसमें यू हैव इवन कार्तिकेय है ना, और कुछ मतलब जो हिस्टोरियंस है वो क्या बताते हैं, कुछ टेम्पल्स के कुछ आइडल्स जो मूर्तिज थी वो फिर कहाँ ले गए थे, फिर वो शिमला म्यूजियम में चली गई थी है ना, बिकॉज टेम्पल्स क्या हो रहे थे नेचुरली दे वर मर्ज इन द वॉटर राइट. तो यस अंजलि योर डाउट, आप क्योंकि टेम्पल्स आर डेडिकेटेड, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है ना, शिवा पार्वती, तो यू हैव अदर श्राइन्स आल्सो रिलेटेड टू यू नो लॉर्ड हनुमान और यू नो दिस थिंग आपकी जो है काली शक्ति है ना. इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर अंजलि आपका डाउट है बेटा, कुछ पूछना है. इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर अब ये है गवर्नमेंट का प्लान ऑफ एक्शन. तो जैसे शिव धाम प्रोजेक्ट है, नो शॉर्ट नोट आ गया उस पर है ना मंडी का, ऐसे आपको इसमें मेंस का लिखने के लिए आ सकता है कि हिमाचल बिलासपुर टेम्पल्स को रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट का प्लान क्या है. ये प्रिलिम्स का नहीं है, ये इंफॉर्मेशन जो है आपकी स्टेट स्पेसिफिक से आएगी मेंस से. टू आर्टिफिशियल आइलैंड्स है ना, तो टेम्प मतलब सोचो टेम्प लो पानी क्या है, लेवल क्या है नीचे, उसको क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा. लिफ्ट करने के लिए उनको रोपवे से ब्रिज से कनेक्ट करके एक आर्टिफिशियल आइलैंड जिसका हाइट जो है वो ऊपर हो है ना. सो दे सेइंग द टेंपल्स विल बी रिस्टोरिंग बिकॉज़ दे विल बिल्ड अप टू आर्टिफिशियल आइलैंड्स. वन ये पार्ट इंपॉर्टेंट है और इसके लिए गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि हम जो है दे विल मेक द केबल ब्रिजेस नंबर वन. कैन यू कैन स्किप दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट. Then another part में they will focus here on that the government temples ही सिर्फ restore नहीं करेगी कि island बनाकर, they will form the research center also, spiritual cultural center also. उसको tourism की कौन सी dimension से relate करोगे? Religious tourism, spiritual tourism. ठीक है? So this part is important. जैसे Beer Building को आपने adventure tourism से relate किया था, right? ठीक है? And अब एजेंसीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हुई इस पार्ट से. आपके पास पहले कौन सी थी, रोड, क्योंकि आपने क्या बनानी, केबल ब्रिजेस बनाने हैं, रोपवेज बनाने हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आई. ठीक है, फिर आपके पास जो है बीबीएमटी आई और फिर आपके पास स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट्स आए. ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो याद क्या रखना है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट 28 टेम्पल्स. जनरली इसमें ये जो काम होगा ना ये तीन फेजेस में होगा. ठीक है, टोटल अमाउंट 1400 करोड़ राइट. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स एजेंसीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, ये प्रीलिम्स का इंफॉर्मेशन है. मेंस में लिखने को आ जाए तो टेंपल्स के नेम्स आ सकते हैं. आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ जाए टेंपल्स जो है वो कौन सी शैली में, आप पढ़ते होंगे ये पार्ट में है ना, कि कौन से फॉर्म में जो है आर्किटेक्चर स्टाइल में बने हुए हैं, बताओ जरा मुझे. आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा पक्का, शिखर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पक्का. अच्छा, ये मुझे नहीं पता तो कुछ ओके. अब लास्ट पार्ट ये देखो इस पार्ट से, दिस इज अगेन ये आपका एक तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू पे आ सकता है. लेटर ऑन आप इसको इकोनॉमी, गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस बहुत सारे एंगल से रिलेट कर सकते हैं है ना. जैसे हमने क्या पढ़ा था, डीडी हिमाचल चैनल है ना, ऐसे हम क्या बात कर रहे हैं, 5G सर्विसेज राइट.
ये इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स से कम मेंस में ज्यादा यूज होगी, क्योंकि जब आप बात करते हो हेल्थ और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम क्या कहते हैं, क्या नहीं होना चाहिए, डिजिटल डिवाइड नहीं होना चाहिए. तो क्या होनी चाहिए, डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए. स्मार्ट गवर्नेंस के लिए, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए हिमाचल स्टेट हैज लॉन्च्ड दिस 5G सर्विसेज. तो ऑप्शन पहला क्वेश्चन आ गया 5G सर्विसेज, कौन सा नेटवर्क. प्रीलिम्स पे यदि क्वेश्चन आ जाए, है ना, सो इट कैन बी BSNL, Airtel, सो वी ऑल नो दैट इट इज जियो टेलीकॉम नेटवर्क. अनदर क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट से आएगा, दिस वे आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जितना एडवांस टेक्नोलॉजी होगा तो हेल्थ टूरिज्म, देखो हेल्थ में टेलीमेडिसिन, एजुकेशन में दीस डेज ऑल दीस ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी वन. तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर इस पार्ट से आएगा, एक मिनट आगे, कि दिस सर्विसेज इनिशियल फेज में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है. इन आरोप रिपीट हो रहा है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो ऑलरेडी बिलासपुर है ना, सो नादुम स्पेसिफिक मेंशन है, बट इसको इग्नोर करके डिस्ट्रिक्ट तीन ही रहेंगे, राइट. सो दी सर्विसेज जो इनिशियल फेज है दैट इज फॉर, रिवाइज करो, शिमला, हमीरपुर एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, राइट. एंड लेटर ऑन वी हैव दिस प्लान दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दैट द होल स्टेट विल बी कनेक्टेड. इसको आप कहाँ कहाँ लिंक करोगे, एक बेसिक सी सिंपल इंफॉर्मेशन है ना, 5G सर्विसेज लिंक कहाँ करोगे आप इसको, जैसे मैंने आपको कहा से करोगे, स्मार्ट गवर्नेंस में, ई गवर्नेंस में लिंक करोगे, गवर्नमेंट को भी लोकमित्र केंद्र से या ऑनलाइन सर्विसेज या आपकी हेल्पलाइन, तो वो प्रोवाइड करना ही होगा. और कहाँ लिंक करोगे इसको, डिजिटल डिवाइड कम हो जाएगा एजुकेशन सेक्टर में, डिजिटल कनेक्टिविटी हेल्थ सेक्टर में, टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा. टेक्नोलॉजी यदि स्ट्रेंथन होगी तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंडस्ट्री, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रमोशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ई कॉमर्स, राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी, फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी हेल्प करोगे इसको. अगर फाइनेंशियल के बजाय इसमें बेटर होगा हम ये भी यहाँ पर लिखे डिजिटल इंक्लूजन, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, डिजिटल डिवाइड रिड्यूस हो रहा है, सो इट विल हेल्प इन दैट डिजिटल इंक्लूजन इटसेल्फ. ठीक है, डिसकनेक्टिविटी. और ओवरऑल यदि आप ओवरऑल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हिमाचल स्टेट का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, वन ऑफ द पैरामीटर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेल बीइंग, टेक्नोलॉजी से कनेक्टिविटी है, सो वो इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल जो है इट विल बूस्ट द इकोनॉमी, राइट. ठीक है, नॉट दैट की ऑल द टॉपिक्स हैज बीन शेयर्ड, बट दिस इज, आई एम श्योर दिस विल गिव यू द ब्रॉड आइडियाज, मेजरली इकोनॉमी, और हमने इकोलॉजी का कुछ पार्ट किया है, कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स आपके, आप सिंपलर उसको रीड आउट भी करेंगे, सो यू विल बी एबल टू नो, जैसे कि इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वाइल्ड लाइफ का एक टॉपिक होगा कि गद्दी डॉग्स की रजिस्ट्रेशन की बात भी है, सो दिस विल हेल्प द यू नो द इकोनॉमिक परस्पेक्टिव ऑल्सो. एंड अगेन फिर गद्दी ट्राइब्स को कितना हेल्प होगा, है ना, द ब्रीड ऑफ गद्दी डॉग्स, है ना, तो हरियाणा स्टेट करनाल के सेंटर्स जो है वो उनका हेल्प कर रहे हैं. ऑल दिस ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, यू विल बी एबल टू मैनेज दिस. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन कोई डाउट कुछ पूछना है, एनी फीडबैक यू वांट टू शेयर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस स्टडिंग स्टेट स्पेसिफिक. गौरव, नेहा, कुछ कहना है, सपना, शिल्पा, शगुन, ओके, थैंक यू सुधांशु, यशपाल, तेंजिंग, थैंक यू मैम. देयर विल बी अनदर क्लास देन, दिस विल बी अ सीरीज, आई थिंक सो, दिस शुड बी सीरीज, यू विल बी नोटिफाइड अबाउट इट, लेट अस सी, ओके, आई इंटेंड टू टेक अप एट सीरीज ओनली, दैट वी कंटिन्यू इट, बट डेज इट कैन बी, विल सी टू इट, बिकॉज योर नेशनल करंट अफेयर शुड नॉट ऑल्सो सफर, है ना, सो लेट मी सी. Whenever the slot will be given to us, I'll take up. That depends upon your feedback. That is why I'm asking your feedback. Online students? भाई सामने वाले ने लग रहा है किसी ने कोई मेहनत की है, कोई टॉपिक्स बनाए, आर्टिकल्स बनाए हैं. Ma'am, very very helpful, ma'am. हाँ ठीक है. Crisp pen to the notes, yes. For the revision, it's good. For the revision.